ये जो फॉर्म्स और रिटर्न्स का सेशन है, इससे पहले भी इसकी ट्रेनिंग जो है वो इसी प्लेटफॉर्म से सेम ट्रेनर मेरे ही थ्रू यहाँ से लॉन्च हो चुकी है, और वो बेसिकली एक पेड ट्रेनिंग थी। सही है, पार्टिसिपेंट जो है वो पे करके उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्हें फिर इसके कंप्लीशन का जो है वो सर्टिफिकेट अवार्ड किया गया था। हमने एक उसके फर्स्ट सेशन की एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी थी, जिसका रिस्पांस कुछ ऐसा आया कि लोगों ने फिर उसकी दूसरी वीडियोस के लिए जो है वो रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा की, और ये अच्छा खासा पीरियड हो गया। तो ये डिसाइड किया गया कि अगर हम उसी सेशन को लाइव कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक गलत चीज़ हो जाएगी जिन्होंने इसके लिए पे किया था। तो हम वो सेशन तो पब्लिक नहीं कर सकते थे। हमने पब्लिक करने के लिए दूसरा सेशन लॉन्च किया, जिसमें बिगिनर से अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होगी और फाइनल जो अल्टीमेट आउटकम उस ट्रेनिंग सेशन का था, वही आउटकम जो है वो हो रहा होगा इस सेशन का भी। अब थोड़ा सा इस सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेसिकली प्लान इस तरीके से कि अभी आप लोग जैसे वर्किंग आवर्स, आपके मेजॉरिटी ऐसे लोग होंगे जो कि जॉब से या अपने वर्किंग से निकल करके अभी आए होंगे 1-1.5 घंटे पहले, और फिर उसके बाद आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो इतने ज़्यादा रिलैक्स नहीं होता माइंड, बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो बहुत लंबा हम सेशन नहीं रखेंगे, हमने बेसिकली इस पूरे को 4 क्लासेस में ब्रेक किया है। 4 क्लासेस ऑफ 2 आवर्स ईच। अब ये क्लासेस जो हैं वो हम इसी सेशन में डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस तरीके से रखनी है। हमें संडे सैटरडे रखनी है, या वर्किंग डेज में एक एक दो दो दिन के गैप के बाद रखनी है, या कंटिन्यूअस रखनी है, ये आप ही लोग जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो फिर बता रहे हैं उनके लिए फिजिबल क्या रहेगा। फिलहाल 4 क्लासेस होंगी और हर क्लास जो है वो 2 घंटे की होगी। तकरीबन ये कोर्स जाएगा 8 आवर्स पे, और 8 आवर्स हम यहाँ पे बोल रहे हैं, साफ सी बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बीच में आएंगी जो कि डिस्कशन का पार्ट होंगी, शायद इस ट्रेनिंग का कोर पार्ट ना हो, तो ये 8 आवर्स थोड़े से एक्सीड हो सकते हैं। फर्स्ट क्लास में जो अभी हो रही है, इसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। एडवांस में नहीं जाएंगे, उस ब्रेकअप में नहीं जाएंगे जो के एक्टिविटीज वाइज ब्रेकअप होता है। सही है, एक्टिविटी वाइज ब्रेकअप, मसलन के आप कौन सी एक्टिविटी किसी भी बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म करने वाली जो एक्टिविटी है हम उसके ब्रेकअप में नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है, कंपनीज कैसी कैसी होती हैं, सही है, किस किस तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं पाकिस्तान में, इस चीज़ को हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बेसिक्स ऑफ फॉर्म फाइलिंग को देख रहे होंगे, बेसिक लॉज जिससे रिलेट कर रहे हैं उसे देख रहे होंगे, और फिर उसके बाद हम 3 to 4 फॉर्म्स का पूरा कंप्लीट प्रोसेस अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ये हम फाइलिंग करते हुए कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ये हम सिंपल अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी। सही है, और आई होप कि हम बाकियों को आवाज़ आ रही है।
अगर बाकियों को आवाज़ आ रही है तो कंफर्म कर दीजिएगा ताकि हम कंटिन्यू कर लें। अच्छा, ये जो फोर टॉपिक्स हैं ये हम इस तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे कि आज के जो 2 आवर्स हैं वो इसमें कंप्लीट निकल जाएंगे। सही है। अच्छा, जिनको आवाज़ नहीं आ रही है वो या तो रीसेट कर लें अपना कनेक्शन, देख लें। सेकेंड और थर्ड क्लास में, ये तो हो गई फर्स्ट क्लास का जो कि आज हम परफॉर्म कर रहे होंगे, सेकेंड और थर्ड क्लास में हम जो फॉर्म फाइलिंग का प्रोसेस होता है अंडरस्टैंडिंग वाला, ये हम कंप्लीट नैरेटिवली ले रहे होंगे। प्रैक्टिकली परफॉर्म सेकेंड और थर्ड क्लास में भी नहीं करेंगे। नॉलेज गेन करना, उसको अंडरस्टैंड करना, कहाँ पे क्या चीज़ कैसे दी हुई है, उसका क्या मतलब है, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सेकेंड और थर्ड क्लास में, ये कोर एरिया है बेसिकली, उसमें हम कवर कर लेंगे। फोर्थ क्लास जो हो रही होगी उसमें हम प्रैक्टिकली जो SSCP का पोर्टल है उस पे जा करके हम देख रहे होंगे कि हम किस तरीके से ये फाइलिंग एक्चुअली परफॉर्म करते हैं। सही है। पहली क्लास बेसिक्स के लिए है ताकि वो लोग जिन्हें इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कॉर्पोरेट लॉस की वो इसे समझ जाएं, एक फ्लो में आ जाएं, और फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ में वो उसी फ्लो में चलेंगे। हम सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं उनका क्या प्रोसेस है, वो फॉर्म्स क्यों आए, उनका पर्पस क्या था, कहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कौन कौन से लॉज उसे इम्पेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें देखेंगे, और फोर्थ क्लास में जा करके हम एक्चुअली परफॉर्म कर लेंगे फाइलिंग का। सही है। अब ये हो जाने के बाद सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ सबको, यहाँ पे जो लोग कंपनीज एक्ट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए तो चीज़ सही है, उन्हें ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी। वो लोग जो के नहीं जानते इतना उनके बारे में, उनको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म करता हुआ जा रहा हूँ कि हमने इनकम टैक्स में एक प्रैक्टिस देखी कि किसी पर्सन को रिटर्न फाइल करना आ जाए। सही है। किसी पर्सन को रिटर्न फाइल करना आ जाए, चाहे वो सैलरीड पर्सन का ही क्यों ना हो, वो दूसरों को अप्रोच करके छोटी सी कंसल्टेंसी बना लेते हैं। सही है। अब वो रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये नहीं देखता कि एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ कुछ फिगर्स डाल के रिटर्न फाइल नहीं करना होता। इनकम टैक्स लॉज जब तक आपको नहीं पता होंगे आप सामने वाले को उतना बेनिफिट भी नहीं कर सकते और सही अमाउंट का टैक्स भी कैलकुलेट नहीं करवा सकते, क्रेडिट्स आप क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो के क्रेडिट्स किसी और परसेंटेज पे अवेलेबल थे, किसी और कंडीशन पे अवेलेबल थे, अब वो लोगों को दिलवा दिए किसी और रेट पे जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। किसी के ऊपर क्रेडिट अवेलेबल था वहाँ पे एग्जेम्प्ट करवा दिया, एग्जेम्प्ट और क्रेडिट में डिफरेंस नहीं मालूम, तो इनकम टैक्स में ये एक प्रैक्टिस बन गई। वहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी जो है वो इतना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रही। सही है। उसने इतना ज़्यादा इस चीज़ को क्लियर नहीं रखा और कोई ऐसी रेगुलेशन या कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया कि इस प्रैक्टिस को रोका जा सके कि कोई भी जिसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर इस्तेमाल करना जानता है, लैपटॉप इस्तेमाल करना जानता है, वो फाइलिंग स्टार्ट कर दे। इस चीज़ को SECP ने रोका है। सही है। ये जो सेशन परफॉर्म हो रहा है, ये जो ट्रेनिंग परफॉर्म हो रही है, ये इस पर्पस के लिए नहीं है कि कोई पर्सन बैठ करके अपनी कंसल्टेंसी छोटी सी स्टार्ट कर दे और कुछ कंपनी से कॉन्टैक्ट करके उनके रिटर्न फाइल करना शुरू कर दे, उनके फॉर्म्स फाइल करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं हो सकता।
एसईसीपी में ऐसा नहीं हो सकता। एसईसीपी ने इस हर्डल से बचने के लिए कि लोग फाइलिंग इनएक्यूरेट करते थे, इनएप्रोप्रिएट करते थे, प्लस कंपनीज की तरफ से एक रिस्पांस आता था कि भाई ये जो फाइलिंग की है ये तो हमारे कंसल्टेंट ने कर दी, ये तो इस पर्सन ने कर दी, मिस्टेक इसकी है, हमारी नहीं है, हमने सही कम्युनिकेट किया था, इसने ऐसा कर दिया, सही है। और वर्क एसईसीपी का बढ़ता था, सही। एसईसीपी मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में तमाम कंपनीज को, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज को रेगुलेट कर रहा है। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या है, ये हम आगे जाके देखते हैं। फिलहाल एक डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, वो डिस्क्लेमर ये है कि ये जो ट्रेनिंग परफॉर्म हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ दो तरह के लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें, सही है। पहली ऑथराइज इंटरमीडियरी, कौन? ऑथराइज इंटरमीडियरी, ये कौन होते हैं? कुछ सर्टिफिकेट्स होल्डर हैं जिन कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है एसईसीपी की तरफ से कि ये रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको एक लाइसेंस दिया जाएगा इंटरमीडियरी कौन होगा, कि आप रिकॉग्नाइज्ड इंटरमीडियरी होंगे, जो एसईसीपी के पास रिकॉग्नाइज्ड होगा कि हाँ ये पर्सन एज इंटरमीडियरी एक्ट कर सकता है। अब इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेशन है, वो CA की मौजूद है, ICMA की मौजूद है, MBA भी इवन मौजूद है, सही है। कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि सर्टिफिकेट्स होल्डर ये टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ये कंपनी और SECP के दरमियान में एज इंटरमीडियरी एक्ट करेंगे, कंपनी से इंफॉर्मेशन लेंगे और SECP में फाइल कर रहे होंगे, सही है। दूसरा कंपनीज ओन ऑफिसर्स, कंपनी के अपने एम्प्लॉय, कंपनी के अपने ऑफिसर्स SECP में ये फॉर्म्स फाइल कर सकते हैं। ये दो ही लोग हैं जो फॉर्म फाइल कर सकते हैं SECP में कंपनी के बिहाफ पे, इसके अलावा कोई तीसरा पर्सन नहीं कर सकता, सही है। कोई पर्सन जो कि बाहर से है उस पर्सन को आप अपनी चीज़ें दें और उनसे बोलें कि आप फाइल कर दें तो ये चीज़ SECP में नहीं हो सकती। अगर कोई कर रहा है तो वो ढके छुपे किसी दूसरे तरीक़ेकार से कर रहा है, उस तरीक़ेकार को हम इस ट्रेनिंग में डिस्कस नहीं करेंगे, सही है, क्योंकि वो चीज़ गलत है जो लॉ ने जो चीज़ बताई है और जिस रूल से बताई है हम वैसे ही करें, सही है। ऑथराइज इंटरमीडियरी कर सकता है या कंपनी के अपने ऑफिसर्स कर सकते हैं। ऑथराइज इंटरमीडियरी ऑलरेडी इतना क्वालिफाइड पर्सन होता है कि उसे ये ट्रेनिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। वो ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन जानता है, वो ऑलरेडी इस प्रैक्टिस में होता है, और मेजॉरिटी ऑथराइज इंटरमीडियरी में आपको लॉ फर्म्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स मिलेंगी, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा, सही है। कंपनी के जो ओन ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग बेनिफिशियल है बेसिकली, सही है। कंपनी का जो अपना स्टाफ है वो जो फाइलिंग करेगा कंपनी के बिहाफ पे, उनके लिए ये ट्रेनिंग है कि वो किस तरीके से फाइलिंग करें, सही। ये तो सिंपल एक डिस्क्लेमर है जो कि स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग में आप लोगों को दे दिया गया है कि ऐसी प्रैक्टिस जो कि टैक्स में की जा रही थी वो प्रैक्टिस कॉर्पोरेट लॉज में ना हो सके। FBR से बहुत बेहतर इदारा है SECP और वो इन चीज़ों पे फोकस करता है। ये थोड़ी सी बायस स्टेटमेंट है मेरी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है। अच्छा, अब आप अपनी ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। ये सारे इंट्रोडक्शन हो गए, इसके अलावा आपका एक डिस्क्लेमर हो गया, ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। क्यों लॉन्च की गई, किन के लिए है, सब चीज़ें हो गई, प्लान आप लोगों को बता दिया। अब पाकिस्तान में बिजनेस स्ट्रक्चर कितने टाइप के हो सकते हैं, पाकिस्तान में बिजनेस स्ट्रक्चर कितने टाइप के हो सकते हैं, इसमें मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा, इसे किसी भी सूरत में किसी दूसरे
कंटेक्स्ट में एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से एसोसिएट करें। यहाँ डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब सिंपल ये है कि किसी इदारे में इनकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है या नहीं है। अगर किसी इदारे में मौजूद नहीं है इनकी डॉक्यूमेंटेशन, इनकी रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंटेशन, तो वो अनडॉक्यूमेंटेड कहला रहे हैं। सही है, इसमें उनकी मनी या उनकी रिसोर्सेज का लेना देना नहीं है। किसी इदारे में इंफॉर्मेशन है उनकी, उनकी रजिस्ट्रेशन है, तो वो डॉक्यूमेंटेड है। सही है, पाकिस्तान में हर बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो डॉक्यूमेंटेड हो, वो कहीं ना कहीं से रजिस्टर्ड हो। कुछ नहीं होता तो मिनिमम लेवल पे हर तरह के बिजनेस की एक एसोसिएशन होती है, उस एसोसिएशन से रजिस्टर्ड हो। जैसे मिनिमम आप ये समझ लें कि स्टेट एजेंट्स हैं, सही, इनकी भी एक एसोसिएशन मौजूद है, इनकी भी एक एसोसिएशन मौजूद है, वो उस एसोसिएशन से रजिस्टर हो करके काम कर रहे होते हैं। सही, फूड की शॉप है, सही, इनकी भी एक इदारा इनके लिए मौजूद है जो इन्हें बिजनेस कंटिन्यू करने का, बिजनेस कमेंस करने का सर्टिफिकेट इशू करता है कि हाँ आप ये बिजनेस कर सकते हैं। सही है, हर बिजनेस चाहे वो छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, पाकिस्तान में उसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है कि वो कहाँ से डॉक्यूमेंटेड होगा। अब यहाँ पे हम एक्टिविटी वाइज तो जा नहीं रहे थे कि हम एसोसिएशन और बाकी चीजों की तरफ जाएं, हम देखेंगे सिर्फ स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे बात करेंगे एससीसीपी में डॉक्यूमेंटेड होगा या नहीं होगा। सही है, या एससीसीपी जैसे किसी इदारे से डॉक्यूमेंटेड होगा या नहीं होगा, दैट्स इट। इसके अलावा हम बात नहीं कर रहे। कुछ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होते हैं, कुछ पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, और कुछ एजेंसीज होती हैं। सही है, ये डॉक्यूमेंटेड भी हो सकती हैं, अनडॉक्यूमेंटेड भी हो सकती हैं। हम नॉर्मल जो बाहर शॉप्स देखते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप देख रहे होते हैं, उसके पीछे हो सकता है कोई पार्टनरशिप हो सकता है कोई एजेंसी भी हो। सही है, आपस में दो लोग मिले, उन्होंने मिलकर के कुछ डिसाइड कर लिया और उस चीज़ को कहीं डॉक्यूमेंट नहीं किया, कहीं पे जा करके उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, सिंपल दो बंदों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, या एक बंदे के पास कुछ फंड्स थे, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया और कहीं पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाई, सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी लेकर के चल पड़ा। सही है, कोई एजेंसी किसी ने बना दी, किसी के पास फंड्स थे, किसी के पास स्किल्स थी, फंड्स वाले ने स्किल वाले को फंड्स दिए और स्किल वाले ने वो काम करना शुरू कर दिया, दोनों के दरमियान एक एजेंसी एग्रीमेंट हो गया। सही है, लेकर के चल रहे किसी के पास ऑलरेडी कोई एस्टेब्लिश बिजनेस मौजूद था, सामने से कोई पर्सन आया जिसके पास स्किल्स थी, एस्टेब्लिश बिजनेस ने अपनी कोई एक्टिविटी उसे दे दी कि हाँ आप मुझे रिप्रेजेंट कर लो किसी के सामने। बेसिकली ये वाली एग्जांपल एजेंसी की एग्जांपल है जो मैंने पहले दी, वो आप पार्टनरशिप पे भी लेके जा सकते थे। सही है, तो सिंपल अगर किसी रजिस्ट्रेशन के बगैर स्टार्ट कर दिया जाए तो वो अनडॉक्यूमेंटेड वाली चीज़ है, और इस चीज़ को हम जहाँ तक ही सिंपल रख रहे हैं, इसके आगे हम फर्दर डिस्कस अनडॉक्यूमेंटेड वाले बिजनेसेस को नहीं कर रहे होंगे, हम कर रहे होंगे डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस को। डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस क्या होते हैं, एक सेम वही सोल प्रोप्राइटर, ये दो तरह के हो सकते हैं। पहला जो कि एसईसीपी में एस सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर हो गया हो,
कंपनी क्या होती है हम आगे देखते हैं, फिलहाल सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कर लें कि सोल प्रोप्राइटर पहला डॉक्यूमेंटेड में वो पर्सन है जो कि एसईसीपी में ए सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर हो गया हो। दूसरा, एफबीआर में सिंपल ओन बिजनेस लेकर के चल रहा हूँ, एक पर्सन है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट कर लेने के बाद उसने कहीं एसईसीपी को अप्रोच नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने एनटीएन पे एक बिजनेस एक्टिविटी एड ऑन करवा ली कि भाई मैं ये वाला बिजनेस कर रहा हूँ। सही, यहाँ पे उस बिजनेस की अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, वो बिजनेस खुद कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, उस बिजनेस वो बिजनेस खुद कोई लीगल एंटिटी नहीं है। सही, इस वाले केस में बिजनेस खुद कोई लीगल एंटिटी नहीं है, ये बिजनेस अपने नाम से किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकता, इस बिजनेस को कोई केस नहीं कर सकता। सही है, एफबीआर में अगर किसी ने सिंपल अपने नाम पे एक अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लिया तो किसे केस किया जाएगा, कौन इसे रिप्रेजेंट करेगा, कौन होगा इसके पीछे, वो होगा वो पर्सन जिसने अपने एनटीएन पे से रजिस्टर किया है। सही है, और यहाँ पे लाइबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होगी, यानी एक एक रुपया का अगर कोई लॉस हुआ है या एक एक रुपये का अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसका सोल रिस्पॉन्सिबल वो बिजनेस पर्सन है जिसके नाम, जिसके एनटीएन पे ये बिजनेस का नाम अपियर हो रहा है। सही है, वो पर्सन इसकी हर लाइबिलिटी के लिए, इसके हर एसेट्स के लिए जिम्मेदार है, इवन दो कि उसने अपने बिजनेस में 100,000 लगाए थे और बिजनेस में उसे लॉस हो गया, तो 100,000 से ज्यादा को ऊपर का जो लॉस हुआ है उसकी जो पेमेंट होगी वो इस पर्सन की अपनी प्रॉपर्टीज में से की जाएगी, पर्सनल प्रॉपर्टीज में से की जाएगी। सही है, यह है एफबीआर का। अगर आप कोई भी बिजनेस अपने एनटीएन पे सिंपल रजिस्टर करवा के एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं तो इसमें लाइबिलिटी है अनलिमिटेड, और यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट एक लीगल एंटिटी का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन है, उस पर्सन को ही केस किया जा सकता है, वो पर्सन ही किसी को केस करेगा, वो पर्सन ही होल सोल रिस्पॉन्सिबल है, वही पर्सन ही सब कुछ है, वो बिजनेस सिर्फ नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है एफबीआर वाला। अब सिंगल मेंबर कंपनी में अगर देखते हैं तो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब ये एक सेपरेट पर्सन है, इसके एसेट्स अलग होंगे, इसकी लाइबिलिटीज अलग होंगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होंगी, इसे कोई पर्सन केस कर सकता है, ये किसी को एज सिंगल मेंबर कंपनी केस कर सकती है। सही है, ये अपने नाम पे खुद बैंक अकाउंट खोल सकती है, किसी पर्सन को ये ऑथराइज कर सकती है कि वो बैंक अकाउंट मेंटेन करे, ये कंपनी कर सकती है। सही है, यहाँ पे ये वाला बिजनेस ये काम सारे कर सकता है। नाउ यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। सही, यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है, मतलब अगर एक पर्सन ने ये डिसाइड किया कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता हूँ 1 लाख के कैपिटल से, सिंगल मेंबर कंपनी बनाई, उसमें पेड अप कैपिटल 1 लाख डाला। सही है, 1 लाख डालने के बाद उसने जब एक्टिविटीज परफॉर्म की तो कुछ लॉस भी हो गया। सही, अब ये उस पर्सन के पास ऑप्शन है कि वो इस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए कुछ फंड्स और इसमें डाले और कंटिन्यू करे एक्टिविटीज, या वो बोल दे कि भाई ये जो एंटिटी थी, ये जो बिजनेस था, ये बैंकरप्ट हो गया, खुद बैंकरप्ट हुए बगैर इस बिजनेस को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे। सही है, सिंगल मेंबर कंपनी ही अपने एसेट्स रियलाइज करेगी, अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करेगी, उस पर्सन की अपने पर्सनल एसेट्स से कुछ नहीं जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंपनी का आप लोगों को मिल गया, कंपनी क्या चीज है।
जहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का? सही है। सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट हुआ, तो सोल प्रोप्राइटर में सिंगल मेंबर कंपनी बना सकते हैं या FBR में वो कंपनी अपने नाम पे रजिस्टर कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन है उनके पास। ये बेसिकली इतना वास्ट टॉपिक है कि इसके ऊपर सेपरेट सेशंस हो सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा, क्योंकि सेपरेट सेशन नहीं कर रहे इसके ऊपर, तो हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। दूसरा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप भी दो तरह की मौजूद है। अगर एक पर्सन काम कर रहा है तो सोल प्रोप्राइटर होगा, सही है। अगर एक से ज्यादा बंदे एसोसिएट हो गए हैं तो पार्टनरशिप हो सकती है या कंपनी हो सकती है, सही है। अच्छा, पहले पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप बेसिकली दो से ज्यादा बंदे किसी एक बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आकर के, सॉरी, कोई एक बिजनेस कंटिन्यू करने का इरादा करते हैं फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, सही है। प्रॉफिट होने चाहिए इसके लिए कोई बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, यह है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप भी दो तरह की हो सकती है। 2017 से पहले ये दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं था। 2017 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की पार्टनरशिप थी, जो कि अनलिमिटेड पार्टनरशिप बेसिकली आप कह सकते हो उसे, जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं थी, सही है। लिमिटेड अनलिमिटेड वाली चीज आप समझ गए हैं। ये जो FBR वाला मैंने बताया था, यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इधर लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो पार्टनरशिप में जो 2017 से पहले का कॉन्सेप्ट था, उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, लिमिटेड नहीं थी। 2017 में एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया, सही है। इसने एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि इंटरनेशनली बहुत पहले से मौजूद था, कि पार्टनरशिप भी लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है। हमने अक्सर देखा होगा ना कि फॉरेन कंपनीज में नाम के साथ हमने LLP लगा हुआ देखा है, सही है। ये LLP का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पाकिस्तान में भी LLPs का कॉन्सेप्ट 2017 में आ गया था, और LLPs को जो रेगुलेट करने के लिए इदारा है वो है SECP ही, सही है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही है जो LLP को रेगुलेट कर रहा है, सही है। अच्छा, LLC का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आया नहीं है, सही है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कॉरपोरेट, लेकिन पाकिस्तान में ये एब्रिवेशन इस्तेमाल नहीं की जाती इसके लिए, सही है। पाकिस्तान में सिंपल एक एब्रिवेशन इस्तेमाल की जाती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सही है। पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, या ऊपर मैंने एक बता दिया, सिंगल मेंबर कंपनी, सही है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ, और इसके साथ साथ जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का था वो स्टिल कंटिन्यू है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में आने के बेनिफिट्स हैं, सही है। अनलिमिटेड में इतने बेनिफिट्स नहीं हैं, लेकिन अनलिमिटेड पार्टनरशिप जो है, इसका एक पोर्शन ऐसा है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड वाले बिजनेस में, जो मैंने बताया था, सही। अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस, इसका मैं दोबारा बोलूंगा, लेना देना कुछ भी रिसोर्सेस को हाइड या डिस्क्लोज करने से नहीं है। अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसी पार्टनरशिप्स मौजूद हैं जो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, सिंपल दो बंदों के दरमियान एग्रीमेंट्स हुए हैं, सही।
कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स भी हैं जो रजिस्टर हो जाती हैं, दो बंदों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, फिर वो पार्टनरशिप रजिस्ट्रार के पास जाकर के रजिस्टर करवा लेते हैं पार्टनरशिप को। सही है, तो वो आप समझ लें कि 2017 से अर्लियर जो कॉन्सेप्ट था पार्टनरशिप का, वो ये कॉन्सेप्ट है। सही है, यानी अभी तक हमने कितने स्ट्रक्चर देख लिए पाकिस्तान में बिजनेस करने के, डॉक्यूमेंटेड बिजनेस करने के चार स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, सोल प्रोप्राइटर के दो, पार्टनरशिप के दो। इसके बाद कंपनी पे पब्लिक प्राइवेट, सही, प्राइवेट में सिंगल मेंबर कंपनी, यही जो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। सही है, दूसरी है अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। पब्लिक में लिस्टेड, अनलिस्टेड, और एक और एब्रीवेशन अब कुछ पीरियड से इस्तेमाल की जा रही है, वो है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, दूसरी है पब्लिक सेक्टर कंपनीज। अच्छा, सेकंड है, मैंने कोई नाम नहीं लिखा, क्योंकि पार्टनरशिप बेसिकली ये वो पार्टनरशिप है जो कि अनलिमिटेड है। आप यहाँ पे अनलिमिटेड का वर्ड लिख सकते हो, ऊपर है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नीचे है अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सही है, इसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी अनलिमिटेड का मतलब कि अगर पार्टनरशिप में कोई लॉस होता है या पार्टनरशिप की कोई लाइबिलिटी अराइज होती है, तो उस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए पार्टनर्स के अपने एसेट्स जो हैं वो स्टेक पे लग जाएंगे, उनके अपने एसेट्स से रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट की जाएंगी, और वो लाइबिलिटीज जो है वो सेट ऑफ की जाएंगी। यहाँ पार्टनरशिप तक किसी को कोई क्वेश्चन है? क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है फिर ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यही चीज हमारा पूरा सेशन लेकर के चलेगी। पार्टनरशिप तक किसी को कोई कॉन्सेप्ट है, कोई क्वेश्चन है पार्टनरशिप तक? अगर कोई पर्सन बीच में ऑफलाइन हो गया था फिर ऑनलाइन हुआ है, उसे कोई चीज क्लियर नहीं हो रही, तो वो भी अभी यहाँ पे पूछ ले। पार्टनरशिप तक कोई क्वेश्चन? हमने कोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि ये हमने क्यों लॉन्च किया था, हमने डिस्कस कर लिया ये कैसे जाएगी। अच्छा, अगर वॉइस का इशू है किसी को, तो मेरे ख्याल में ये उनका अपने नेटवर्क का इशू हो रहा है। रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल की जाएगी, सही है, लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, तो रिकॉर्डिंग में होपफुली कोई वॉइस का इशू नहीं होगा। सही है, तो वहाँ से आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं एक अपॉर्चुनिटी और भी देता हूँ हमेशा, कि नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट हो रहा होता है तो उससे पहले आपको टाइम दिया जाता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ लें, तो आप नेक्स्ट सेशन में रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल कोशिश करें कि वॉइस क्लियर रहे। अगर कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर के दो दो फॉर्म्स, एक सिंगल मेंबर कंपनी जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो बिजनेस जो कि एफबीआर में सिंपल एक पर्सन ने अपने एनटीएन पे रजिस्टर कर लिया। फिर पार्टनरशिप आ गया, ओके जी सेट है। फिर पार्टनरशिप आ गया, पार्टनरशिप में भी सिंपल लाइबिलिटी के हिसाब से दो बाइफरकेशन हुई हुई है। मैं बाकी बेसिस के ऊपर इसे बाइफरकेट नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इसे लेकर के चलें, और ये सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा अगर हम सिंपल इसी टॉपिक को लेकर के भी चलेगा। पार्टनरशिप तक आई होप के सबका क्लियर हो चुका है, मैं पार्टनरशिप तक की चीज़ें हटा दे रहा हूँ ताकि वो कन्फ्यूज़ ना करें। अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। सही है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे में मर्ज हुआ हुआ है। सही है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है
जो कि एक दूसरे में मर्ज हुआ हुआ है। अच्छा, इशा की नमाज के लिए जाना चाहेंगे? अगर किसी को बाजमात पढ़नी है तो देख लें, हम ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन अगर सिंपल आपको ऐसे घर पे अदा करनी है तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके लिए तो टाइम अच्छा खासा है। आप पार्टिसिपेंट्स बता लेंगे कौन क्या करना चाह रहे हैं? अगर करना चाह रहे हैं, लोगों को जाना है तो बता दें, अगर कम लोग जा रहे होंगे तो मैं बोलूँगा कि वो लोग चले जाएँ, अगर मेजॉरिटी ये बोल रही होगी कि नहीं ब्रेक कर लेते हैं तो फिर ब्रेक कर लेते हैं 10 to 15 मिनट्स का। बता दें भाई, थोड़ी सी वोटिंग कर लें। रिकॉर्डिंग कंप्लीटली कन्वीनियंट होगी, बस उसमें एक चीज़ है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं, आप लाइव नहीं पूछ सकते। लाइव आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, फिर क्लियर भी कर सकते हैं फर्दर। कौन कौन चाह रहा है कि हम 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक कर लें नमाज के लिए अभी? चलिए जी, अभी हम फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। सही है, अगर आप में से कोई जाना चाहे तो जा सकता है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, उस पर्सन का कोई लॉस नहीं होगा। सही है। अच्छा, कंपनी में दो ऑप्शंस बताएं, दो स्ट्रक्चर हम पाकिस्तान में जो देखे जाते हैं, एक पब्लिक है एक प्राइवेट है। सही, प्राइवेट में एसएमसी पहले बता दिया गया और अदर देन एसएमसी। पब्लिक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पब्लिक में लिस्टेड कंपनी आ जाएगी, अनलिस्टेड कंपनी आ जाएगी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, इसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज। 2013 के बाद से पाकिस्तान में ये दो टर्म्स इस्तेमाल होने लग गई हैं, इससे पहले इतनी ये टर्म्स इस्तेमाल नहीं होती थी, लोग अंडरस्टैंड ज़रूर करते थे लेकिन ये टर्म्स यूज़ नहीं होती थी। 2013 में पब्लिक सेक्टर कंपनीज का एक कोड आया। सही, पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौन है? वो कंपनीज जिसमें 50% से ज़्यादा होल्डिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट की है, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो। सही है, ऐसी कंपनीज पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। सही, वो कंपनीज जिसमें 50% से ज़्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। अब पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कौन सी हैं? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कौन सी हैं? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज वो सारी कंपनीज, एक जनरल कॉन्सेप्ट सिंपल दे रहा हूँ, वो सारी कंपनीज जो ओवरऑल पब्लिक को इम्पैक्ट कर सकती हो, वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कहलाती हैं। अब ये एक बहुत जनरल सी स्टेटमेंट है, आपके जानते हो सकता है कोई कंपनी इम्पैक्ट कर रही हो, मेरे इंफॉर्मेशन में वो कंपनी ना कर रही हो इम्पैक्ट। सही, तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कौन सी कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, कौन सी कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी नहीं है। तो इसके लिए एसईसीपी ने कंपनीज एक्ट में पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज की डेफिनेशन दे दी। सही है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी डिफाइन कर दी गई, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी क्या क्या होती है। सही, हम अभी स्पेसिफिकली एक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे इसके लिए, क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज होती हैं?
एक तो सबसे पहले आ गई कि ऑल पब्लिक सेक्टर कंपनीज, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का पैसा इन्वॉल्व है, ऑल पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। सही है, इसका मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी बड़ी टर्मिनोलॉजी है जो पब्लिक सेक्टर कंपनी को अपने अंदर ले लेती है। सही है, इसके अलावा कौन सी कंपनी? तमाम लिस्टेड कंपनीज पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पब्लिक का पैसा है, वहां पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, पब्लिक ने उनके शेयर्स परचेज किए हैं। सही है, वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं। इसके बाद एक मिनट यार होल्ड रखिएगा। हम पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज को करते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है सबको और आवाज क्लियर है? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में पब्लिक तमाम पब्लिक सेक्टर कंपनीज आ गई, तमाम लिस्टेड कंपनीज आ गई। सही है, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो पब्लिक ने परचेज किए हुए हैं। सही, पब्लिक का पैसा उसमें इन्वॉल्व है। तमाम बैंक्स आ गए। सही है, क्यों? क्योंकि पब्लिक के डिपॉजिट्स उनमें मौजूद है, बैंक को अगर कुछ होता है तो पब्लिक डायरेक्ट इम्पेक्ट होगी। सही है, इसके अलावा तमाम लार्ज साइज एंटिटीज। सही, वो लार्ज साइज एंटिटीज जो के पब्लिक को डायरेक्टली इम्पेक्ट कर सकती है। अब लार्ज साइज एंटिटीज कैसे डायरेक्टली इम्पेक्ट करेंगी? लार्ज साइज एंटिटीज कोई ऐसी एंटिटी नहीं होती जो के छोटे से सेक्टर में बनी भी हो, अच्छा खासा उसका साइज हो चुका होता है, और एज एम्प्लॉयर, एज सप्लायर, एज कस्टमर भी वो इम्पेक्ट करती हैं बहुत सारे लोगों को, चाहे वो कॉरपोरेट से हो, चाहे वो बैंक्स भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में आ जाते हैं। सही है, इंश्योरेंस कंपनीज भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में फॉल कर जाएंगी। तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से आपको हो रही होगी। लार्ज साइज एंटिटीज, तमाम लिस्टेड कंपनीज, तमाम पब्लिक सेक्टर कंपनीज। सही है, ये सब पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में आ जाएंगी। अच्छा, रेमिटेंसेस कंपनीज या आपके ऐसे बैंक्स हो गए जो के इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्मॉल आपके कुछ ऐसे बैंक्स भी हो जाते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक है। सही, हमने जो बैंक का कॉन्सेप्ट है ना, हमें मेनली पता है कमर्शियल बैंक्स को लेकर के। सही, हमें उसकी फर्दर डिविजन्स इतनी ज़्यादा नहीं पता है, और मेनली हम जो इम्पैक्ट होते हैं वो कमर्शियल बैंक से ही होते हैं। सही, मेनली हम कमर्शियल बैंक से ही इम्पैक्ट होते हैं, हमारा डिपॉजिट उन्हीं के पास होता है। कुछ ऐसे बैंक है जिनके पास हमारा डिपॉजिट नहीं होता, पब्लिक वहाँ पे डिपॉजिट नहीं कराती, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जो कि नॉन डिपॉजिटरी हैं। सही है, जो कि ऐसे हैं जो कि लोन नहीं दे सकते हैं, जो लोन नहीं ले सकते हैं, जो डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। सही, ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं। तो तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में नहीं आ जाएंगे, वो जिनसे पब्लिक डायरेक्टली इम्पेक्ट हो रही है वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में आएंगे। सही है, अब रिमिटेंसिस कंपनीज, मनी एक्सचेंज, इन सबको आप इस क्राइटेरिया के हिसाब से देख लें कि क्या वहाँ पे हमारा डिपॉजिट है या हम डायरेक्टली उससे इम्पेक्ट हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं देन वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में आ जाएगी, नहीं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। सही है, मुदारबा कंपनीज, बैंक्स, ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं। सही है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, इनके दरमियान फ़र्क है। तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स नहीं है,
तमाम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, सही है। लार्ज साइज एंटिटीज इस तरीके से पब्लिक को इम्पेक्ट करती हैं कि उनकी जो डिमांड होती है वो बहुत ह्यूज होती है। जस्ट आप एग्जांपल ले लें, आज की डेट पे यूनिलीवर के सारे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से गायब हो जाते हैं, सही है, क्या होगा, क्या पब्लिक इम्पैक्ट होगी, क्या प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, यूनिलीवर अपना डिपॉजिट सारा का सारा पाकिस्तान से निकाल लेती है, हम यूनिलीवर को एग्जांपल रखते हैं, यूनिलीवर सारा डिपॉजिट पाकिस्तान से निकाल लेती है, क्या पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे फर्क पड़ेगा? देन यूनिलीवर इज अ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, और लार्ज साइज एंटिटी किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी? वो ऐसे इम्पैक्ट करेगी जैसे यूनिलीवर कर रही है। सही, यूनिलीवर का तो खैर बहुत बड़ा साइज हो चुका, इसी तरीके के इससे थोड़े छोटे साइज वाली कंपनीज भी इम्पैक्ट करती हैं, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के क्राइटेरिया में फॉल कर जाती हैं। एनी हाउ कंपनीज एक्ट ने लार्ज साइज एंटिटीज को पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज की डेफिनेशन में डाल दिया, देन वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक एक्सप्लेन करती, सही है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है, कंप्लीटली नॉट फॉर दिस कोर्स, इस कोर्स में इस इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी जो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन ऑन पर्सनल लेवल इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इनका कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे, जो हम इस कोर्स में जो चीज़ हम देख रहे होंगे जो हमें इम्पेक्ट करेगी वो है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल SMC, सिंगल मेंबर कंपनी, बस। लिस्टेड और अनलिस्टेड भी हमें यहाँ पे इम्पेक्ट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि हम कंपनीज एक्ट देख रहे हैं, हम जो पब्लिक एट लार्ज को इम्पेक्ट करें वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, नॉट जस्ट इकोनॉमी। जो पब्लिक एट लार्ज को इम्पेक्ट करें, ऐसी तमाम कंपनीज जो पब्लिक एट लार्ज इम्पेक्ट करें वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, सही है। अच्छा, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज हमारे इस कोर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में आप में से सबके पास ऑलरेडी है। अच्छा, SME, मैंने यहाँ पे लिखा है SMC, आप अपना खुद एक SME का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं या SMC को आप SME समझ रहे हैं? SME जो है वो है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, SMC जो है वो है सिंगल मेंबर कंपनी, सही है। SMC मींस सिंगल मेंबर कंपनी, SME मींस स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज। सही है, यहाँ तक हमें पाकिस्तान में बिजनेस के क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं उसका हमें अंदाजा हो गया। बोथ आर डिफरेंट, SMC सिंगल मेंबर कंपनी है और ये SME में भी फॉलो हो सकती है। बेसिकली ये साइज डिपेंड करते हैं ना, अब SMC का पेड अप कैपिटल कितना है, उसकी सेल कितनी हो रही है, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने काम कर रहे हैं, इन क्राइटेरियाज को देखा जाएगा तो वो फॉल करेगी कि वो लार्ज साइज में जा सकती है, स्मॉल में जा सकती है या मीडियम में जा सकती है। लार्ज साइज में जा भी सकती है या नहीं जा सकती, ये हम बात बाद में करेंगे, ये अभी हमारी करने वाली चीज़ नहीं है कि लार्ज साइज में कोई प्राइवेट कंपनी लार्ज साइज एंटिटी हो भी सकती है नहीं हो सकती, सही है। पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक कंपनी कोई लार्ज साइज एंटिटी कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, ये क्राइटेरिया हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ये एक अलग पूरी स्टोरी है, सही है। एक SMC SME हो सकती है, SMC सिंगल मेंबर कंपनी, अगर वो स्मॉल साइज है तो वो SME है, वो स्मॉल साइज कंपनी है। अच्छी बात है, सही है।
तमाम कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो सिंगल एसएमई हो सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज में फॉल कर सकते हैं। वो स्मॉल साइज की भी हो सकती हैं, वो मीडियम साइज की भी हो सकती हैं, वो लार्ज साइज की भी हो सकती हैं। सही, तो एसएमई और लार्ज साइज एंटिटीज ये अलग बाइफरकेशन है। हम इसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन जो एससीसीपी में रजिस्ट्रेशन होती है किसी कंपनी की, वो सिर्फ और सिर्फ यही तीन क्राइटेरिया, वो या तो पब्लिक कंपनी रजिस्टर होगी, या प्राइवेट कंपनी रजिस्टर होगी, या सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर होगी, इसके अलावा कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं है। सही है। अब एक चीज शायद आप लोगों ने नोट की हो, सिंगल मेंबर कंपनी मैंने सिर्फ यहाँ पे प्राइवेट में मेंशन किया हुआ है, पब्लिक में मेंशन नहीं किया। सही है, सिंगल मेंबर कंपनी सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही हो सकती है, पब्लिक कंपनी कभी भी सिंगल मेंबर कंपनी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, किसी के पास इसका जवाब है? कोई पब्लिक कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी नहीं हो सकती, इस बात का किसी के पास कोई जवाब है? नहीं। देखो, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी अलग चीज है, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी अलग चीज है। वो मैंने बता दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी क्या चीज है, अभी हमने उसके ऊपर बात कर ली। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये हुई है कि मैंने शायद आपको पब्लिक और प्राइवेट नहीं बताया कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होती है। हर पब्लिक कंपनी के शेयर्स एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो सकते। मैंने यहाँ पे बाइफरकेशन दिखाई आपको कि पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड भी हो सकती है। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स तो ट्रेड होंगे एक्सचेंज में, लेकिन अनलिस्टेड के तो शेयर्स ट्रेड नहीं होंगे ना एक्सचेंज में। अच्छा, पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? चेंज हो गई स्क्रीन आप लोगों के सामने, वो वर्ड का डॉक्यूमेंट हट गया। सही। अच्छा, कंपनीज एक्ट ने हमें डेफिनेशन बताई है प्राइवेट कंपनी क्या होती है। सही है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। आर्टिकल्स वो डॉक्यूमेंट होता है जो हर कंपनी बनाती है अपनी इंटरनल प्रोसीडिंग्स के लिए, अपने इंटरनल ऑपरेशंस के लिए। जो कंपनी डॉक्यूमेंट्स डेवलप कर रही है वो आर्टिकल है। अब हर डॉक्यूमेंट जो अपनी इंटरनल प्रोसीडिंग्स के लिए डेवलप कर रही है वो आर्टिकल नहीं। इसमें एक और खसूसियत होती है, ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि इसकी गवर्नेंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं बेसिकली। सही है। इसके अलावा किसी ऑपरेशन में नहीं। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कोई आइटम कैसे मैन्युफैक्चर होगा उसकी भी उसने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाई होगी कंपनी ने, लेकिन वो आर्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नेंस को इम्पैक्ट नहीं करी। गवर्नेंस मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, की ऑफिसर्स हो गए, शेयर होल्डिंग हो गई, मेंबर्स हो गए, कंपनी के रजिस्ट्रेशन में चेंजेस हो गई, सही है, स्टेटस में चेंजेस हो गई, इन सब के प्रोसेस, हायरिंग के, फायरिंग के, चेंज करने के क्या होंगे, वो सारी चीज़ें आर्टिकल्स में डॉक्यूमेंट की जाती हैं। सही। वो जहाँ पे डॉक्यूमेंट होती है उस डॉक्यूमेंट का नाम आर्टिकल्स कहलाते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये कंप्लीट वर्ड है इसका। सही है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन भी आपको कंपनीज एक्ट में मिल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उन लोगों को जो कि कॉरपोरेट सेक्टर में अभी इतना नॉलेज उन्हें नहीं है, वो ये टर्म सुने तो वो परेशान ना हो कि ये क्या चीज़ होती है, ये चीज़ बता दी ये क्या होता है। जी, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सही है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है?
प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, यानी अपने आर्टिकल में उसकी ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस हैं तो वो प्राइवेट कंपनी है, अगर वो कंडीशंस नहीं है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। पहली कंडीशन, वो रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, अपने शेयर्स ट्रांसफर करने के राइट को रिस्ट्रिक्ट करती है। कोई कंपनी अगर अपने शेयर्स के ट्रांसफर के राइट को रिस्ट्रिक्ट करती हो, सही है, तो वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है। एक कंडीशन है ये, सही। यहाँ पे तीन कंडीशन दी हुई है, तीनों कंडीशन मीट होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है वो एंड का इस्तेमाल हुआ है, A N D, एंड, यानी ये दो भी और ये भी, ये तीनों कंडीशन मीट होगी तो प्राइवेट कंपनी है। इनमें से कोई एक कंडीशन मीट नहीं होगी तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। वो कौन सी कंपनी है वो देखते हैं, सही है। पहला, वो राइट रिस्ट्रिक्ट करती हो ट्रांसफर ऑफ शेयर के, यानी आप फ्रीली शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, शेयर ट्रांसफर करने के लिए आपको कोई परमिशन लेनी होगी। अगर वो परमिशन डालती है कि ये परमिशन आपको लेनी होगी, तो वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है। दूसरा, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स, उसके अपने जो शेयर होल्डर हैं, जिनके पास शेयर्स हैं वो मेंबर्स कहला रहे हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स को 50 तक लिमिट कर दें, सही, कि उसके जितने मेंबर्स होंगे वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इस स्टाफ को हटा के, नॉट इंक्लूडिंग पर्संस जो के एम्प्लॉयमेंट में हो कंपनी के, यानी एम्प्लॉयज कितने भी हो सकते हैं, 250 भी, 2,500 भी, 50,000 भी आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, लेकिन वो स्टिल प्राइवेट कंपनी होगी। लेकिन उसके जो शेयर होल्डर होंगे वो 50 से ज़्यादा ना हो, 50 तक हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, सही। अपने आर्टिकल में उसने ये चीज़ मेंशन की हो कि मेरे मेंबर 50 से ज़्यादा नहीं होंगे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे उसने रिस्ट्रिक्शन रखी हो। दूसरा, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स, ये है वो चीज़ जो कि अभी बात हो रही थी कि एक्सचेंज में उनके शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहे होंगे, ये पब्लिक को नहीं बोल सकती, ये अपने आर्टिकल में ये मेंशन करेगी कि ये पब्लिक को कभी भी इनवाइट नहीं करेगी कि आप आकर के मेरे शेयर्स लें, सही है, पब्लिक को ये कभी भी इनवाइट नहीं करेगी। अगर ये तीन कंडीशन मौजूद हैं तो वो प्राइवेट कंपनी है। अब क्वेश्चन किसी के जहन में ऐसा आ सकता है कि अगर ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी तो इसके शेयर्स लेगा कौन, कैसे लिए जाएंगे? अगर ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी तो इसके शेयर्स लिए कैसे जाएंगे? कोई पर्सन इस बात का जवाब दे सकता है? अगर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं इस बात पे कि वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी, तो शेयर्स लेंगे कैसे अगर पब्लिक को इनवाइट नहीं करें? मैं, आप, हर कोई पब्लिक का पार्ट है। PR, पर्सनल रिलेशन, एग्जैक्टली। आप जानते होगे उस डायरेक्ट पर्सन को, वो जानता होगा आपको, सही। आप उसे इनवाइट नहीं करोगे कि आकर के शेयर लो, आप सिंपल उसे ऑफर करोगे कि भाई ये चीज़ है, ऐसे ऐसे आप शेयर लेना चाहते हो तो ले लो, सही। और वो शेयर्स आ करके डायरेक्ट कंपनी से ऐसे नहीं उठाएगा, वो शेयर्स आ करके डायरेक्ट कंपनी से नहीं लेगा, वो किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परचेस कर सकता है। अदरवाइज प्राइवेट कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो सारे के सारे अच्छा, ये टर्म मेरे ख्याल से इतनी मुनासिब नहीं है इस चीज के लिए। देखें, मैं कहीं पे काम करता हूँ, सही है, मैं कहीं का एम्प्लॉय हूँ, वहाँ पे बहुत सारे दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे, मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स हैं, मुझे वो सेल आउट करना है, पब्लिक क्यों प्राइवेट क्यों, दोनों में से किसी के भी हो, मैं कैसे सेल आउट करूँगा? मुझे पता होगा मिस्टर ABC ये इंटेंड करते हैं कि हाँ भाई इन्हें शेयर्स चाहिए, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पे, इनके पास फंड्स हैं, तो मैं ऑफर करूंगा कि भाई ये शेयर्स परचेज कर लो, ऐसे ही होगा ना? तो मैं प्राइवेट कंपनी में ये काम कर सकता हूँ, सही है। लेकिन वो जो कंपनी है,
वो ये बोले कि सामने वाले पर्सन के पास जो है वो फंड्स होंगे, सही है, मैं इस कंपनी में जा करके इन चार पांच लोगों को इनवाइट करूं कि आ करके मेरा शेयर परचेज करूं, मैं अपना पेड अप कैपिटल इन्हांस करूंगा, सही, मैं उन चार पांच लोगों को इनवाइट करूं। प्राइवेट कंपनी इस छोटी सी एक जगह पे चार पांच लोगों के दरमियान तो ये बात कर सकती है कि आप ये शेयर्स ले लें, परसुएट कर सकती है, लेकिन अपना प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करके पब्लिक नहीं कर सकती कि हर पढ़ने वाला वो देख करके परचेज कर रहा हो। वो वेबसाइट पे नहीं डाल सकती कि हर पब्लिक जा करके वहाँ पे इन्वेस्ट करे, उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करे, सही, वो एक्सचेंज पे जा करके ये काम नहीं कर सकती। किसी मीटिंग में बैठ करके तो ये काम किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक एट लार्ज को कम्युनिकेट नहीं की जा सकती ये चीज़। निपोटिज्म जो है ना वो प्रिसाइजली सिर्फ पर्सनल रिलेशन है, सही, यहाँ पे ऐसा नहीं है, पब्लिक एट लार्ज को एंगेज नहीं कर सकती, किसी प्राइवेट मीटिंग में ये बात की जा सकती है। सही है, मेरे पास शेयर्स है, मैं किसी को बेचना चाहूँ तो वो तो मैं पब्लिक में भी प्राइवेट में भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करके बेच सकता हूँ, सही है, सिर्फ एक चीज पर प्राइवेट में अवेलेबल नहीं होगी कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में उस शेयर को ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी अगर अपने शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो किसी मीटिंग में प्राइवेटली इस शेयर्स के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बात कर सकती है कि भाई मेरा ये बिजनेस है, ये प्रॉफिट्स हैं, ये चीज़ें, आप आओ मेरा शेयर परचेज करो। वो ये काम किसी प्राइवेट मीटिंग में कर सकती है, पब्लिक एट लार्ज को कम्युनिकेट नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी पब्लिक एट लार्ज को कम्युनिकेट कर सकती है, सही है, वो प्रोस्पेक्टस प्रिंट करके पब्लिक में दे सकती है, स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस पब्लिक में दे सकती है, सही है। हमने यहाँ पे क्या देख लिया, हाँ अभी हम पब्लिक की जब डेफिनेशन पे आते हैं तो हम ये चीज देखते हैं, आपने जवाब पहले दे दिया, हम पब्लिक की जब डेफिनेशन पे आते तो हम ये बात बता रहे होते। प्राइवेट की डेफिनेशन हमने क्या देख लिया, राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्ट कर रही है, नंबर ऑफ मेंबर्स को 50 से ऊपर नहीं होने दे रही, दूसरा पब्लिक को इनविटेशन देने से अपने आप को प्रोहिबिट कर रही है, सही है, ये तीनों कंडीशन अगर उसके आर्टिकल से मौजूद है तो वो प्राइवेट कंपनी है, अगर नहीं है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। दूसरा एक और बात यहाँ, प्रोवाइडेड दैट वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर इन अ कंपनी जॉइंटली, दे शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस डेफिनेशन बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। 10 रुपए का एक शेयर है, दो लोगों ने 5-5 रुपए कंट्रीब्यूट करके वो एक शेयर परचेज कर लिया, सही है, तो क्या इस 50 का नंबर कैलकुलेट करने के लिए वो दो लोग दो काउंट होंगे या एक काउंट होंगे? तो यहाँ पे डेफिनेशन ने ये बता दिया कि वो एक काउंट होंगे, सही है, वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर्स इन अ कंपनी ज्वाइंटली, जहाँ ज्वाइंटली शेयर्स होल्ड करते हैं, दे शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के लिए बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर, वो एक पर्सन कहलाएंगे, सही है। यहां तक क्लियर है पब्लिक प्राइवेट की डेफिनेशन? सही है, अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं, मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, खत्म, हर वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, सही है, अच्छा अब इसके बाद कुछ कंडीशन है
स्क्रीन चेंज हो गई आप लोगों की। स्क्रीन चेंज हो गई, सही। अच्छा कुछ कंडीशन है, एसएमसी कंपनी एक मेंबर से ज्यादा, इसमें मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स एसएमसी कंपनी में सिर्फ एक ही हो सकते हैं, सही है। एसएमसी कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स सिर्फ एक होंगे। प्राइवेट अदर देन एसएमसी में दो से लेके 50 तक हो सकते हैं, 2 to 50 मेंबर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, सही है। पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में फॉल करने के लिए 3 से इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 100, 50 लाख, कुछ भी हो सकते हैं, सही है। पब्लिक कंपनी में अपर लिमिट कुछ नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स की, वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन लोअर लिमिट मौजूद है। लोअर लिमिट क्या है? 3 मेंबर। 3 मेंबर से कम अगर मेंबर्स होते हैं तो वो पब्लिक कंपनी नहीं होगी, सही। ये भी कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, लेकिन मैं इतने ज्यादा कंपनीज एक्ट में अभी नहीं जा रहा हूं। अब हम फॉर्म्स को जब डिस्कस कर रहे होंगे वहां पे हम जाकर के इसकी शक्ल देखेंगे, सही है। प्राइवेट अदर देन एसएमसी में अपर और लोअर लिमिट दोनों मौजूद है, अपर लिमिट है 50, लोअर लिमिट है 2। एसएमसी में कोई लिमिट नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है, सही, के एक बस 1 मेंबर हो सकता है एसएमसी में, इसके अलावा नहीं। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी को कंपनी से रिलेटेड, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, एसएमसी, कोई क्वेश्चन है इसमें खास के पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या एसएमसी में? अभी तक हम फॉर्म्स की तरफ नहीं आए हैं। वंस हमने फॉर्म्स का एरिया टच कर लिया तो फिर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को इतना नहीं छेड़ेंगे, ये हम कॉन्सेप्ट सिंपल क्लियर कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से बिजनेस स्ट्रक्चर हो सकते थे, हमने वो अंडरस्टैंड कर लिया, कौन कौन से बिजनेस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, हम कैसे कैसे कोई बिजनेस पाकिस्तान में कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड, एक्टिविटी वाइज नहीं, स्ट्रक्चर वाइज, रजिस्ट्रेशन वाइज। एक्टिविटी वाइज तो बहुत सारे हैं, वो सारे के सारे अभी हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, सही है। मैंने छोटी छोटी एग्जाम्पल, एक स्टेट एजेंसी, एक फूड शॉप की भी एग्जाम्पल दे दी है, सही है। किरियाना स्टोर की भी एग्जाम्पल, जनरल स्टोर होते हैं वो भी एसोसिएशन उनकी मौजूद है, सही। ऑयल एंड घी कंपनीज, इनकी भी एसोसिएशन मौजूद हैं, सही है। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का? मैं तकरीबन 30 to 40 seconds वेट करके फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर लूंगा, क्योंकि अब मेन थीम जो इस ट्रेनिंग की है वो स्टार्ट होने वाली है। नहीं, टेलीकॉम कंपनी इस लिंक से अलग नहीं है, टेलीकॉम कंपनी भी पब्लिक, प्राइवेट या एसएमसी रजिस्टर होंगी। अब एक अनफॉर्चुनेट चीज है, एक तो वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो के जैसे पीटीसीएल है, जनरल
जिनके पास लाइसेंस है कोई ऐसी एक्टिविटी करने का, सही है, वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हर हालत में रजिस्टर्ड होंगी SECP से, इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, सही। वो ये पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर होंगी। कुछ ऐसे भी हैं जो कि टेलीकॉम कंपनी अपने आप को बोल रहे होते हैं, लेकिन वो सिंपल जो है वो नेटवर्क की कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यू फोन आपको ये SECP में एज पब्लिक या प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड मिलेगी, सही है। ये मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट कंपनी होगी, मे बी विथ नेम यू फोन ना हो, सही, कोई दूसरा नाम हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आप बिजनेस करते हो ना, उसका कोई ट्रेड नेम होता है कि जो लोगों के सामने होता है, जिस नाम से लोग जानते हैं कि ये चीज़ है। यूफोन को लोग जानते हैं, यूफोन क्या कंपनी है, क्या चीज़ है, सही है। लेकिन ये इसकी रजिस्ट्रेशन किस नाम पे है, वो किसी दूसरे नाम पर होगी, सही है। तो मे बी रजिस्ट्रेशन इसकी किसी दूसरे नाम पर हो, लेकिन इसने हर हालत में SECP से रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन की होगी, इसके अलावा इससे लाइसेंस नहीं मिल पाता, सही है। कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अपने गली मोहल्लों में बना लेते हैं और टेलीकॉम कंपनी बोलते हैं, तो वो जो कंपनी है ना, वो वाली कंपनी है जो कि हमने पहले वाले में डिस्कस किया था, FBR में रजिस्टर्ड, सही है। नेम डिफरेंट हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि नेम डिफरेंट ही हो, सही है, नेम डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि ये एकेडमी है, एकेडमी का नाम कुछ और है, लेकिन ये SECP के साथ जो रजिस्टर्ड है वो किसी और नाम से रजिस्टर्ड है, सही है। तो ट्रेड नेम अलग है, रजिस्टर्ड जिस नाम पे है वो नाम, वो नेम अलग है। ट्रेड नेम सिर्फ बिजनेस करने के लिए, लॉ ये चीज अलाउ करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ये रिक्वायरमेंट होगी कि आपने अपना ट्रेड नेम इस्तेमाल किया, नीचे आपको एक लाइन देनी है, रन अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सही है। इससे ज़्यादा कोई दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सही है, अब हम चलते हैं अपनी मेन थीम की तरफ। ये अंडरस्टैंडिंग थी जो कि आपको मैंने लॉ सिर्फ कंपनीज एक्ट एक दफ़ा शक्ल दिखाई है, बाकी सारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग दी है जो कि एक ले मैन भी अंडरस्टैंड कर सके, सही। अब हम चलेंगे उस चीज़ की तरफ जहाँ पे अब हम लॉ पढ़ रहे होंगे, लॉ हम देखेंगे। अच्छा जी, अब हम सारे स्ट्रक्चर को असाइड करते हुए लेकर के चलते हैं पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी। हर यानी कंपनी जो रजिस्टर हो रही है वो दो ही तरीके से रजिस्टर हो रही है ना, या तो वो पब्लिक कंपनी है या वो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है कुछ क्राइटेरिया दे दिए, वो क्राइटेरिया मीट होता है तो वो प्राइवेट कंपनी है, अदरवाइज वो पब्लिक कंपनी है, सही है। इस चीज के ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली किसी के जहन में ना आ रहा हो, सही है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि हमने दो कंडीशन पढ़ी सर, एक कंडीशन तो हमने ये पढ़ी कि थ्री कंडीशंस जो के मीट होती हो तो वो प्राइवेट कंपनी है, सही, प्लस प्राइवेट कंपनी है बोला गया कि एक से लेकर के 50 मेंबर तक हो सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट कंपनी यहाँ पे मैं SMC इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ, अदर देन SMC नहीं। पब्लिक कंपनी हमने पढ़ा कि यहाँ पे मेंबर 3 से इनफाइनाइट हो सकते हैं, प्लस हमने ये पढ़ा कि अदर देन प्राइवेट कंपनी सारी की सारी पब्लिक कंपनी है, सही है। वो कौन सी कंपनी है जो कि ये तीन कंडीशन तो मीट करती हो, सॉरी, जो कि ये तीन कंडीशन मीट ना करती हो, यानी वो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में आ रही हो, ये तीन कंडीशन मीट नहीं करती हो, लेकिन उसके पास मेंबर दो बचे हों या मेंबर दो हों, तो वो किस क्राइटेरिया में फॉल होगी।
तीन ना हो, दो हो या एक हो, वो किस क्राइटेरिया में फॉल होगी? इसका कोई जवाब देना चाहेगा? देखिए, जब इस तरह की ट्रेनिंग्स होती है ना, तो इसमें माइंड को ओपन रख करके चलें। किसी तरह का कोई भी प्रैक्टिकल सिनेरियो आ सकता है लाइफ में। एक बंदा है जो बोल रहा है कि भाई मैं आर्टिकल में ये तीनों कंडीशन तो नहीं डाल रहा, मैं 50 तक लिमिट नहीं कर सकता अपने मेंबर को, मुझे 50 से ज़्यादा लोग चाहिए। सही है, मैं मेंबर को 50 से ऊपर भी लेके जाऊंगा, लेकिन आज की डेट पे मेरे पास जो मेंबर हैं वो दो हैं, तो बताएं मैं क्या करूं? मैं कहाँ फॉल करूंगा? मैं प्राइवेट कंपनी में फॉल करूंगा, पब्लिक कंपनी में फॉल करूंगा, या कोई तीसरी टाइप है मेरे लिए? और कोई बताएगा इसके बारे में? देखो, जब आप, दो मौके हैं, एक है रजिस्ट्रेशन के टाइम और एक है रजिस्ट्रेशन के बाद। सही है, दो टाइम है। रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो आपको मेंबर 50 पे रिस्ट्रिक्ट करने ही होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको तीन मेंबर लाने ही होंगे पब्लिक बनाने के लिए, अदरवाइज आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। सही है, यहाँ पे कोई तीसरा क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे रिजिडनेस है। या तो आप तीन मेंबर ले करके आओ, या अपने आर्टिकल में ये टर्म डालो कि आप 50 से ऊपर नहीं जाओगे। सही है, तो ऐसे में लोग क्या ऑप्ट करते हैं? लोग ये करते हैं कि हमारे पास मेंबर तलाश करना नया, वो ज्यादा डिफिकल्ट काम है निस्बतन इसके कि मैं आर्टिकल अमेंड कर लूं। लोग ये करते हैं कि प्राइवेट कंपनी बना लेते हैं, वो रजिस्टर हो जाते हैं दो मेंबर से और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं 50 मेंबर्स पे। जब नीड होगी फ्यूचर में कि हमें 50 मेंबर से एक्सीड होना है, उस टाइम मैं प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बन जाऊंगा। यानी एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि प्राइवेट टू पब्लिक पॉसिबल है। प्राइवेट कंपनी, इनिशियली प्राइवेट कंपनी रजिस्टर हुई हो, आगे जाकर के उसके बोर्ड ने डिसाइड किया कि नहीं, उसे पब्लिक कंपनी बन जाना चाहिए, तो ये स्टेटस चेंज किया जा सकता है। स्टेटस चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ये वाली टर्म्स ये हटा देंगे, इसे इनफाइनाइट कर देंगे। सही है, और अपने मेंबर मिनिमम तीन रखेंगे। जहां उनके पास तीन लोग हो गए, अब वो पब्लिक कंपनी बन सकते हैं, प्राइवेट से अपने आप को कन्वर्ट कर लें पब्लिक कंपनी में। सही है, ये वाली चीज हम फॉर्म की फाइलिंग में भी देख रहे होंगे। ये सिंपल एक क्वेश्चन है जो कि क्रिटिकल माइंड में आ सकता है। प्राइवेट पब्लिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कन्वर्जन का थोड़ा सा बता दिया बस ऐसे ही। अब हम चलते हैं इस कोर्स की तरफ, फाइलिंग की तरफ। फाइलिंग में क्या चीज है भाई? फाइलिंग में क्या चीज है? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? सही, अब फाइलिंग में क्या चीज़ है? फाइलिंग में हम स्टार्ट करेंगे अपने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स से। सही है, ये जिस पे काम हो रहा है ये ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, जिसमें सारे फॉर्म्स की बारे में बताया हुआ है कि उसको कैसे फाइल करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है।
सही है। और यहाँ पे हम ये जो नोट्स है ना, ये बेसिकली फिल्टर्ड रिसोर्स है, चीजें पढ़ी गई, पढ़ लेने के बाद एक जगह पे सिर्फ रेलेवेंट चीज ला करके डाल दी गई। सही है। अगर आप वो सिर्फ रेलेवेंट चीज, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है मेरी? सही है। अगर आप ये नोट्स शेयर होंगे आप लोगों को, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो रेलेवेंट चीज ही पढ़ना चाहें, वहीं से ही पढ़ें, तो आपका नॉलेज लिमिटेड रह जाएगा। सही है। जिस पर्सन ने वो नोट्स डेवलप किए हैं, आप उसके नॉलेज तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको फिर उस प्रोसेस से गुजरना होगा जिस प्रोसेस से वो खुद गुजरा था। सही है। तो सिर्फ नोट्स पे भरोसा करना मुनासिब बात नहीं है। तो हम आज की क्लास में नोट्स की शक्ल तो दिखा दी है, लेकिन हम डायरेक्ट जाएंगे रेगुलेशन और एक्ट को देखेंगे। सही है। वहां से पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, देखा जाता है चीजें, ताकि जो चीज यहाँ पे कभी ना मिले वो हम वहां पे ढूंढ सकें। और यहाँ पे कुछ एरर्स छोड़े गए हैं डेलिबरेटली, वो एरर्स भी मैं बताऊंगा कि वो क्यों छोड़े गए, कैसे हैं, कहाँ हैं। सही। वो इसी कोर्स के दरमियान में आपको पता चलेंगे। ऐसे एरर्स नहीं है कि उसमें मिस इन्फॉर्मेशन हो। बेसिकली कंपनीज एक्ट 2017 में आया। सही है। इसके बाद कंपनीज जनरल प्रोविजंस फॉर्म्स एंड रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट ये, और कंपनी, सॉरी, ये कंपनीज एक्ट और कंपनीज जनरल प्रोविजंस फॉर्म्स रेगुलेशन 2018, ये 2017 में आया था। सही है। और ये 2018 में आया। इसके बाद इन दोनों में, एक्ट में भी और रेगुलेशन में भी, कुछ चेंजेस आए। सही है। रेगुलेशन के तो सारे चेंजेस, जब ये नोट्स बने तो उस वक्त रेगुलेशन के सारे चेंजेस ऑलरेडी इंक्लूडेड थे इसमें। सही। वो सारी चीजें यहाँ पे शामिल हैं, आप लोगों को उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनीज एक्ट में रिसेंटली दिसंबर 2021 में कुछ प्रोसीजरल चेंजेस आए हैं। सही। वो चेंजेस ऐसे हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं एक्चुअली इस डॉक्यूमेंट को भी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इशू है, कंपनीज जनरल प्रोविजन फॉर्म्स एंड रेगुलेशन। लेकिन आज आप इस रेगुलेशन को उठा के देखेंगे ना, तो वो रेगुलेशन एग्जैक्टली पुराने ही स्टेटस पे मौजूद है जिस स्टेटस पे कंपनीज एक्ट दिसंबर से पहले मौजूद था। सही है। ये बात मेरी क्लियर हुई है कि ये जो रेगुलेशन है, ये उस वाले कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी हुई है जो कि दिसंबर 2021 से पहले था। दिसंबर 2021 में कुछ प्रोसीजरल चेंजेस कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस की गई, उन चेंजेस के हिसाब से ये रेगुलेशन अभी तक चेंज नहीं हुई है। सही है। हमने भी दैट इज वाई इन नोट्स को वैसा ही रखा है जैसे ये 2021 से पहले के स्टेटस पे थे। अब होगा क्या, आप ये नोट्स पढ़ेंगे या ये रेगुलेशन पढ़ेंगे, दोनों में से आप कुछ भी पढ़ें, आप पढ़ने के बाद एक स्पेसिफिक सेक्शन इंडिकेट किया जाएगा। जैसे ये मैं देख रहा हूँ ये नोट्स में यहाँ पे सेक्शन बता रहे हैं, सेक्शन 130 का सबसेक्शन 1 ये बता रहे हैं यहाँ पे। सही है। आप इस सेक्शन में जाएंगे ना, तो जो चेंजेस हैं वो चेंजेस इस सेक्शन में आए हुए हैं ऑलरेडी। सही। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक चीज कर दी है, कंपनीज एक्ट जिसमें सारे के सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुए हैं, अभी एससीसीपी की तरफ से या किसी रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से कंपनीज एक्ट ऑल अमेंडमेंट के साथ कंपाइल्ड कॉपी इशू नहीं हुई है, इस एकेडमी की तरफ से आप लोगों को एक कंपाइल्ड कॉपी दी जा रही है सॉफ्ट में, जिसमें सारी के सारे चेंजेस आए हुए हैं। यानी अब आप इस सेक्शन 130 के सबसेक्शन 1 में जाते हैं ना,
तो जितने चेंजेस दिसंबर 2021 में इसे इम्पैक्ट करते होंगे वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। तो अगर ये नोट्स कुछ बोल रहे हैं सही और कंपनीज एक्ट कुछ बोल रहा है, तो कंपनीज एक्ट वाली चीज़ प्रिवेल होगी, नोट्स को आप अवॉइड कर देंगे। बस ये वाली कुछ आपको एरर्स जिसे बोलेंगे वो मिलेंगे इन नोट्स में, जो कि डेलिबरेटली छोड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि आप ये रेगुलेशन पढ़ते तब भी आपको सेम चीज़ फेस करना पड़ती। सही है, सिर्फ पढ़ने की हैबिट मुनासिब रखें, दैट्स वाई इस चीज़ में ये चेंज किया गया है। आप सिर्फ ये नोट्स देख के या रेगुलेशन देख के अपने प्रोसेस डिफाइन करने ना बैठ जाएं, आपको जाकर के एक्ट भी पढ़ना है। अब एक्ट में, जैसे कि एक रीसेंट एग्जांपल मैं दे दूं, एक्ट में ये रिक्वायरमेंट के सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव करने के बाद हमें ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है और सीसीबीए में सबमिट करवाना है। वो रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी की रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट में हट गई है, लेकिन आप ये देखेंगे कि वो रिक्वायरमेंट इन नोट्स में भी मौजूद है और वही रिक्वायरमेंट इन रेगुलेशंस में भी मौजूद है। सही है, आपने वो रिक्वायरमेंट रेगुलेशन या नोट्स में देखी और देखने के बाद आप कंपनीज एक्ट को जाके देखेंगे, कंपनीज एक्ट में क्या ये चीज़ मौजूद है। कंपनीज एक्ट में आपको मौजूद नहीं नजर आएगी, यहाँ पे जिस सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है वो सेक्शन आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इसका मतलब है ये चीज़ अप्लाई नहीं होती वहाँ पे। तो बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सही है, इस चीज़ पे किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग स्टिल रह गई हो तो बात कर लें। अभी जो ये पूरी ट्रेनिंग होगी वो दो ही डॉक्यूमेंट्स पे बेस करती है, एक है कंपनीज एक्ट 2017 और दूसरा है ये रेगुलेशन। सही है, यही दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पे एससीसीपी में फाइलिंग की जाती है। इसके अलावा रेयरली कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि, यानी कुछ और लॉज मिलेंगे जो कि आपके इस चीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। और हम जो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं ये सिर्फ कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज की कुछ फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है, वो एससीसीपी को भी है, लेकिन वो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस जो है उसके अंडर में आती है, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। बैंक्स की कुछ रिक्वायरमेंट है, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। इसी तरीके से लिस्टेड कंपनीज की कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन के अंडर में आती है, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। सही है, हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ उन फॉर्म्स को जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर में रिक्वायर है कि वो रजिस्ट्रार को फाइल होंगे या किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी को फाइल किए जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी को फाइल किए जाएंगे, इसका मतलब है रजिस्ट्रार के अलावा भी कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो कि रजिस्ट्रार के अलावा किसी को फाइल किए जाते हैं। मे बी वो कमीशन हो, मे बी वो कंपनी इटसेल्फ हो। सही है, फॉर्म 43 है वो जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर है वो फाइल करता है कंपनी को। सही, कंपनी फिर उसकी बेसिस पे फॉर्म 45 फाइल कर रही होती है रजिस्ट्रार को। सही, अभी हम जब इस फॉर्म पे आएंगे तो देखेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के बारे में एक हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे चीज़ें आकर के थोड़ी सी हैवी लगना स्टार्ट हो गई हैं, जिन्हें पहले कॉन्सेप्ट नहीं था या स्टिल अभी समझ आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं, स्टेटमेंट्स क्लियर हैं, इजी हैं या थोड़ा और इजी करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कॉर्पोरेट लॉस के बारे में पहले इतना नहीं पता था, अभी लाइव आए हुए हो वो अगर रिस्पॉन्ड करें तो ज़्यादा बेहतर है। जिन्हें पहले से पता था उनके लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। सही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि सारी चीज़ें इजी हैं। हम यहाँ पे दो ही लॉज जो हैं वो देख रहे होंगे, पहला कंपनीज एक्ट उसको पढ़ रहे होंगे और फिर दूसरा कंपनीज जनरल प्रोविजन फॉर्म्स एंड रेगुलेशन 2018 इसको पढ़ रहे होंगे। इस पूरी ट्रेनिंग में हम यही कवर करेंगे, बाकी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट ऑलरेडी मेंशन है, आप लोग पढ़ना चाहें तो ये पढ़ लें,
कोई बहुत मेजर चीज नहीं है। इस ई वाले को मैं थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा, सही है, बाकी ये चीजें कुछ खास नहीं है, सही। आप लोग खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं। इन दोनों का मैंने बता दिया कि यहाँ पे यही दो मेजर लॉज हैं जो हम पढ़ रहे होंगे, इसके अलावा हम किसी तीसरे की तरफ नहीं जाएंगे। अगर जाते हैं तो बस सिर्फ रेफरेंस के लिए जा रहे होंगे। ये जो पॉइंट है ये बोल रहे हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्म्स आर अवेलेबल एट दिस, यहाँ पे तो अवेलेबल है हर कंपनी के लिए, इसके अलावा भी फिजिकली भी फॉर्म्स वगैरह अवेलेबल हैं। कहाँ पे अवेलेबल हैं वो मैं लोकेशन दिखा देता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग की स्क्रीन चेंज हो गई। सही, ये फॉर्म्स वगैरह वैसे तो जब आप ई फाइलिंग के लिए जा रहे होंगे तो वहां पे तो ऑलरेडी फॉर्म्स अवेलेबल हैं, सही। ऐसे भी ये फॉर्म्स आपको सॉफ्ट कॉपी में SECP की वेबसाइट SECP.gov.pk पे कंपनी फॉर्मेशन के टैब में ये आ रहा है फॉर्म्स एप्लीकेशन शेड्यूल ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सही है। आप इस पे जाएंगे, इसमें बहुत सारी गाइड्स दी हुई हैं, सही है, और बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है। आपको जो फॉर्म्स मिलेंगे ना वो ये मिलेंगे, स्टेचुटरी फॉर्म्स, सही है। फोर्थ लास्ट जो लेफ्ट साइड पे आपके आ रहे हैं स्टेचुटरी फॉर्म्स, इस पे आप क्लिक कर दें, यहाँ पे आपको सारे के सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। ये सारे फॉर्म्स डाउनलोडेबल हैं, यहाँ पे पेजेस मौजूद हैं, आप आगे जाते रहें, यहाँ पे फॉर्म्स आपको सारे के सारे अवेलेबल होंगे। दूसरा, ये तो वो हैं जो कि वर्ड के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, इसके अलावा ये बेसिकली वो रेगुलेशन है, कंपनीज जनरल प्रोविजन फॉर्म्स रेगुलेशन 2018, जिसके हमने अभी बात की थी, सही, कंपनीज एक्ट, और दूसरी है रेगुलेशन। इन रेगुलेशंस में ये रेगुलेशंस आपको दी जाएंगी, एंड में जा करके ये सारे के सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, सही है। फॉर्म ए बी सी डी ये सारे फॉर्म्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 लेकर के 45 तक सारे के सारे आएंगे। इस वाले में क्योंकि इसमें एक अमेंडमेंट आई थी तो ये फॉर्म 39 तक मौजूद हैं, 39 के बाद से ये फॉर्म्स आए हैं, 40 41 42 43 44 45 ये फॉर्म्स आए हैं, और ये फॉर्म्स भी दूसरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मौजूद हैं, आपको ये सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे, ये 40 41 इसी तरीके से 45 तक ये सारे फॉर्म्स मौजूद हैं। तो ये सारे फॉर्म्स आप यहाँ पे देखना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, SECP के पोर्टल पे देखना चाहें वहाँ पे देख सकते हैं, आप वर्ड में डाउनलोड करना चाहें तो वो लोकेशन ही बता दिए, सही है। अब ये जो मैंने लोकेशन बताई है, लोकेशन बताने की एक इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि कभी कभी फिजिकल फाइल हमें करने की ज़रूरत पड़ती है, हम ऑनलाइन फाइल नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी वजह हो सकती है, मसलन हम दो प्रोसेस एक साथ स्टार्ट करना चाहें तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने शेयर्स जो हैं वो इशू किए और फिर कुछ डेज के बाद वो दोबारा शेयर्स इशू कर सकती है, उसने शेयर्स इशू कर दिए,
अब जो पहले इशू किया था इसकी अभी प्रोसेस SECP के साथ रिपोर्टिंग का कंप्लीट नहीं हुआ, इन्होंने ऑनलाइन फाइल किया हुआ था और इनके दूसरे शेयर्स भी इन्होंने इशू कर दिए। तो दूसरे शेयर्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप फिजिकल भी कर सकते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए, सही है। दूसरा, आपका कोई एक पेंडिंग प्रोसेस चला हुआ है, अगर वो पेंडिंग प्रोसेस है तो SECP की एक लिमिटेशन है कि अगर कोई प्रोसेस किसी एक फॉर्म का पेंडिंग चला आ रहा है तो सिमिलर फॉर्म दोबारा फाइल नहीं हो सकता उस वक्त तक कि वो पेंडिंग फॉर्म कंप्लीट नहीं होता, सही है। तो आप उस कंडीशन में फिजिकल फॉर्म फाइल कर सकते हैं। दूसरा एक आता है कि 2013 से पहले की जो भी फॉर्म की फाइलिंग अगर किसी की नॉन कंप्लायंस चली आ रही है, पुरानी नॉन कंप्लायंस है, तो उसको भी बोला जाता है कि आप फिजिकल फॉर्म्स जो हैं वो डाउनलोड करके फिजिकली सबमिट करवाएं, आप ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ना आए। क्यों? क्योंकि उस वक्त कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एग्जिस्ट करता था, सही है। उस वक्त फॉर्म्स कुछ और थे, सही है। तो उसके लिए बोला जाता है कि आप फिर फिजिकल ही लेकर के आए। दूसरा, यहाँ पे इस लिंक में आपको बहुत सारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे जो कि एज एनेक्सर रिक्वायर्ड होते हैं फॉर्म फाइल करने के लिए। फी कैलकुलेटर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, सही है। फॉरेन कंपनी के स्टेट्यूटरी फॉर्म्स अलग से मिल जाएंगे, एप्लीकेशंस डिफरेंट मिल जाएंगी, कंपनी क्लोज करने की डॉक्यूमेंटेशन, सही है, मेमोरेंडम आर्टिकल, इन सारे ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं मिलेंगे, या जिनके पास जो इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते उनके पास वो फॉर्मेट्स अवेलेबल नहीं होंगे, सही। तो वो फॉर्मेट्स SECP ने आसानी के लिए यहाँ पे डाल दिए हैं बहुत सारे, तो वो यहाँ से पिक किए जा सकते हैं। तो कभी भी किसी फॉर्मेट चाहिए हो कुछ हो तो यहाँ पे पहले विजिट कर लें, सही है। तो ये लिंक बताने की वजह, ये वजह मैंने बता दी। कंपनी फॉर्मेशन टैब, इसमें फॉर्म्स एप्लीकेशन एंड शेड्यूल, इसमें आप जाएंगे आपके पास ये खुल जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे आपको जाना है जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? स्क्रीन चेंज हो गई? अब हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं? हमने जो एग्री किया था कि हम पहली क्लास में क्या कर रहे होंगे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेंगे बिजनेस के, हमने ले लिए। स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर के हम लेंगे, वो हमने ले लिए। इसके बाद हमने एग्री किया था कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेंगे फॉर्म फाइलिंग के, बेसिक कि हम कहाँ से फॉर्म फाइल कर रहे होंगे, कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ से हम वो फॉर्म्स ले सकते हैं, किधर हम विजिट करेंगे कि हम ऑनलाइन फाइल कर सकें, वो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन हमने बेसिक वाली बता दी, सही है। अब हम फॉर्म फाइल करते क्यों हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, किसको करनी है, ये जो चीज़ है वजह क्या है फॉर्म्स वगैरह फाइल करने की, देखें क्या एक कंपनी जो रजिस्टर हुई है क्या वो कंपनी खुद कोई काम कर सकती है, वो जानदार पर्सन नहीं है, वो नेचुरल बीइंग नहीं है, वो खुद एक्ट नहीं कर सकती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं जो कंपनी के बिहाफ पे एक्ट करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो नेचुरल पर्सन है, सही है। तो लायबिलिटी किसी और की जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है, काम कोई और कर रहा है जो कि नेचुरल पर्सन है, तो क्या जो काम करने वाले हैं वो इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं इसके लिए लायबिलिटी तो किसी और की बन रही है, मेरी तो नहीं बन रही, रिस्पॉन्सिबल तो कोई और हो रहा है, तो मैं इस चीज का बेनिफिट क्यों ना लूं? आप अपने बिहाफ पे किसी को एक्ट करने के लिए खड़ा करते हैं, सही है। तो वो जो पर्सन एक्ट करता है
वो लाइब्रेरी सिर्फ आपकी क्रिएट करे, उसकी लाइब्रेरी कुछ क्रिएट ना हो। उसकी एक लिमिटेड लाइब्रेरी थी, वो क्रिएट हो गई बस, उसके अलावा कुछ क्रिएट नहीं हो रही। क्या आप चाहेंगे कि उस पर्सन को खुला छोड़ दें, किसी टर्म्स एंड कंडीशन के बगैर छोड़ दें, किसी रिपोर्टिंग के बगैर छोड़ दें? आप नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। हर कोई चाहेगा कि भाई अगर उसका स्टेक, किसी पर्सन का कोई स्टेक है, सही है, अगर मेरा स्टेक है तो काम मुझे ही करना चाहिए, कंट्रोल में मेरे ही चीजें होनी चाहिए, किसी और के कंट्रोल में चीजें, किसी और के कंट्रोल में, तो भाई स्टेक उसका भी होना चाहिए, या उसे किसी चीज का पाबंद किया जाना चाहिए कि वो मुझे नुकसान ना पहुंचाए, वो मेरी अननेसेसरी लाइबिलिटी क्रिएट ना करता रहे, सही है? तो इस चीज के लिए लॉज बनाए गए, इस चीज के लिए लॉज बने, कोड्स बने, कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस बना, इसके लिए कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस जैसे लॉज बने, सही है? इसके लिए जब कंपनीज एक्ट बना, तो कोई एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी हमें चाहिए जो कि ये देख रही हो कि हाँ ये जो लॉज बने ये एक्चुअली इंप्लीमेंट हो रहे हैं। हमेशा हर चीज में लॉज बन गए, काम कोई कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग चाहिए, हर चीज में मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वो मॉनिटरिंग कौन परफॉर्म करे? वो मॉनिटरिंग कंपनी तो नॉन नेचुरल बीइंग है, वो नेचुरल बीइंग तो नहीं है, डायरेक्टर नेचुरल बीइंग है। मेंबर्स जो हैं उनके पास शेयर्स हैं, या तो उन मेंबर्स को बोल दिया जाए कि भाई आप मॉनिटरिंग परफॉर्म करो, क्योंकि पैसे उनके इन्वॉल्व हैं, शेयर होल्डर्स के इन्वॉल्व हैं, आप मॉनिटरिंग परफॉर्म करो। वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेसिक बिजनेस स्किल्स उनमें नहीं थी, तभी उन्होंने शेयर्स परचेज कर लिए उसके, उन्होंने खुद वो बिजनेस नहीं करना चाहा। तो अगर जिनमें बेसिक बिजनेस स्किल्स ना हो वो इंटरफेयर करना शुरू करें काम में, तो काम अच्छा होगा या खराब होगा? काम हो जाएगा खराब। दैट इज वाई लॉज ने मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप डेली ऑपरेशन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ, लॉज ने ये बोला कि मैं देखूंगा कि किसको मॉनिटर करना है इस चीज को, और लॉज में ये चीज सर्टेन की गई कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मॉनिटर कर रहा होगा, या डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो मॉनिटर कर रही होंगी इन नेचुरल बीइंग्स को, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाते हैं, इनको मॉनिटर कर रही है कि ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो मेंबर्स भी हैं ये सही तरीके से एसोसिएट हैं, अपने काम परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेंबर्स की राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फंड्स अवेलेबल करें जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया, वो फंड्स उन्होंने अवेलेबल किए या नहीं किए। मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायरेक्टर के इलेक्शन में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, वोटिंग करें, तो वो ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सही है? मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उनके पास कोई मेजर होल्डिंग आ जाती है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का वो ध्यान रखें, वो ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके लिए, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बनाया गया। वो कमीशन कैसे मॉनिटर करेगा? वो कमीशन मॉनिटर ऐसे करेगा कि भाई आप जो काम कर रहे हो, कंपनीज या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो काम कर रही हैं वो हमें बता दें कि ये वो काम कर रहे हैं। उन्होंने चेक्स लगाए डिफरेंट जगहों पे, और वो जो चेक्स हैं वो देखने के लिए कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उन्होंने ये फाइलिंग रिक्वायरमेंट रखी कि आप जब ये ABC काम करेंगे या ये डेट हो जाएगी तो आपको ये डॉक्यूमेंट SECP को फॉरवर्ड करना है, ताकि SECP ये देख सके कि हाँ ये काम हो गया और वो आपको मॉनिटर कर सके। सही, वो ऑपरेशन मॉनिटर नहीं करेगा, वो गवर्नेंस मॉनिटर करेगा SECP। ऑपरेशन कौन मॉनिटर करेगा? ऑपरेशन मॉनिटर करेंगी आपकी लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज जो है वो करेंगी, प्लस ऑपरेशन मॉनिटर करेगी अगर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है तो वो करेगी, सही है? वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी और ये सारी चीजें उस वक्त फेल हो जाएंगी अगर गवर्नेंस ही सही ना हो। तो SECP ने वो गवर्नेंस का ठेका ले लिया कि गवर्नेंस मैं देख रही हूँ, मैं मॉनिटर कर रही हूँ, सही, आपकी जितनी फाइलिंग है, जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं या जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप हमें रिपोर्ट करेंगे, और इस पर्पस के लिए फॉर्म की फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आई। जहां जहां चेंजेस हो तब तब आपको फाइल करना है, पूरे साल का एक एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना है, जहां की पोजीशंस में चेंज हो वो आपको फाइल करना है, हर 3 साल के बाद आपको की पोजीशंस चेंज करनी है, आपको इलेक्शन करवाना है,
सही, ये की पोजीशन आपके पास होनी चाहिए, मैंडेटरी है। आपका ये साइज हो गया तो आपको लीगल एडवाइजर रखना मैंडेटरी है, ये साइज हो गया तो आपका सीएफओ कंपनी सेक्रेटरी अलग अलग होना चाहिए। ये सारी चीजें एससीपी ने इंट्रोड्यूस की, और इस ये चीज हो रही है या नहीं हो रही इसको मॉनिटर करने के लिए उसने फॉर्म की फाइलिंग की रिक्वायरमेंट डाली है। यहाँ हम फॉर्म क्यों फाइल करते हैं, ये चीज एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इस चीज का। पहले हमने बिजनेस स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया फॉर्म्स फाइल करते हुए हम क्या क्या चीज़ें देख रहे होंगे, सही है। फिर हमने देख लिया कि हम फॉर्म फाइल आखिर करते क्यों हैं, सही है। थोड़ी सी सीक्वेंस आउट हुई, हमें पहले देखना चाहिए था फॉर्म फाइल करते क्यों हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्म फाइल हम कैसे करेंगे। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अच्छा। अब हम चल रहे हैं फॉर्म्स की फाइलिंग की तरफ। ये नोट्स कंपनीज एक्ट जो कि कंपाइल्ड है, और तमाम रेगुलेशंस आप लोगों को जहाँ पे ये वीडियो शेयर की जाएगी लिंक पे, वहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी, सही है। ये डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल होंगे और ये वीडियोस भी अवेलेबल होंगी। फॉर्म ए, कोई भी पर्सन जो के इस फील्ड में, अच्छा हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, तकरीबन मेरे ख्याल से 10:20 to 25 तक हम लेकर के जाएंगे, सही है इस सेशन को, उसके बाद हम एंड कर लेंगे। फॉर्म ए, कोई भी जो भी पर्सन इस प्रोफेशन में है कॉरपोरेट फाइलिंग की, किसी को अगर कंपनी में काम कर रहा है, थोड़ा बहुत भी कॉरपोरेट डिपार्टमेंट से अगर उसका कुछ इंटरेक्शन है, कंपनी सेक्रेटरी से थोड़ी बहुत इंटरेक्शन है, तो उसे ज़रूर मालूम होगा, उसने ज़रूर सुना होगा ये दो वर्ड, फॉर्म ए फॉर्म 29। कोई ऑडिट की फील्ड में उसने ये दो वर्ड ज़रूर सुने होंगे, सही है। ये दो वर्ड होते क्या हैं, फॉर्म ए और फॉर्म 29 होता क्या है। फॉर्म ए बेसिकली कहलाता है एनुअल कॉरपोरेट रिटर्न। जैसे हम इनकम टैक्स में अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, अपनी पूरी एनुअल एक्टिविटीज़ का बताते हैं, सही है। इसी तरीके से फॉर्म ए में हम पूरी एनुअल एक्टिविटीज़ का बताते हैं एसईसीपी को, सही है। इस पूरे फॉर्म में सारी डिटेल एज एट ही दी जाती है, एज एट मतलब आज की डेट पे क्या पोजीशन है, सिवाय एक डिटेल के जो कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर से रिलेटेड है, जो ये बताती है कि पूरे साल में शेयर्स कितने ट्रांसफर हुए, डिबेंचर्स कितने ट्रांसफर हुए, सही है। ये होता है फॉर्म ए। फॉर्म 29 क्या होता है, फॉर्म 29 हर की पोजीशन में जो चेंज हो रहा है, हर की पोजीशन में जो चेंज हो रहा है, उस चेंज को एसईसीपी को इंटीमेट करने के लिए फॉर्म 29 यूज किया जाता है। की पोजीशन पे चेंज मतलब कोई नया पर्सन हायर हुआ उस पोजीशन पे, किसी पर्सन ने वो पोजीशन छोड़ दी, छोड़ने की वजह रिटायरमेंट थी, छोड़ने की वजह रेजिग्नेशन थी, छोड़ने की वजह कोई दूसरी थी, इनएलिजिबिलिटी थी, सही, कुछ भी हो सकती है। इन सारी कंडीशन में फॉर्म 29 फाइल हो रहा होगा, सही है। अब हम पहले सिर्फ एक लाइव एग्जांपल दिखाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, हम पहले इस नोट से पढ़ के देखते हैं हमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और फिर हम जा करके रेगुलेशन से और एक्ट से पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देखेंगे, सही है। फॉर्म ए कंपनीज एक्ट का सेक्शन 130 का 1, सही है, ये है। और रेगुलेशन मेरे ख्याल में रेगुलेशन 1 ही होगी, जा करके देखते हैं, यहाँ पे रेगुलेशन नंबर मेंशन नहीं है।
रेगुलेशन वन सही है। अच्छा सेक्शन 130 ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नोट्स क्या बोल रहे हैं। एवरी कंपनी मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी पब्लिक कंपनी हो, हर कंपनी को हैविंग शेयर कैपिटल, जिसके पास शेयर कैपिटल हो, शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास है या थोड़ा सा क्लियर कर दूं, शेयर कैपिटल क्या होता है, क्लियर करने की ज़रूरत है। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ थोड़ा सा फ्लो में चला जाऊँ। शेयर कैपिटल सिंपल इनिशियल वो कैपिटल है जो कि मेंबर्स की तरफ से आता है, और मेंबर्स की जो टोटल लाइबिलिटी बता रहे थे कि मेंबर जो है वो इतनी अमाउंट के लिए लाइबल है, और वो जो मेंबर अपनी लाइबिलिटी सर्टेन करते हैं ना कि हम इतनी अमाउंट के लिए लाइबल होंगे, वो लाइबिलिटी कंपनी के पास वो अमाउंट रखवा देते हैं, कंपनी को दे देते हैं वो अमाउंट, वो शेयर कैपिटल कराता है और कंपनी के पास ही रहती है वो अमाउंट नहीं निकल सकती। सही है, मेंबर्स वो अमाउंट नहीं निकाल सकते, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे वो अमाउंट निकल सकती है, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस हम बाद में देखेंगे, हमारे इस कोर्स का पार्ट नहीं है। सही है, शेयर कैपिटल से बस आपको ये बात जहन में रखनी है कि शेयर कैपिटल कभी भी विड्रॉ नहीं हो सकता कंपनी से। सही है, एक चलती हुई कंपनी से शेयर कैपिटल विड्रॉ नहीं हो सकता। सही, जिसने लाइबिलिटी जो सर्टेन की, वो लाइबिलिटी उसने कंपनी को पे कर दी कि मेरी अगर 1 लाख लाइबिलिटी होगी तो मैं 1 लाख कैश कंपनी को पे कर दूंगा। सही है, ये चीज़ शेयर कैपिटल कहला रही है। एवरी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शेल वंस इन ईच ईयर, हर साल एक बार प्रिपेयर एंड फाइल इट विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को फाइल करेगा क्या चीज़, फॉर्म ए, हर साल एक बार फॉर्म ए हर कंपनी को रजिस्ट्रार को फाइल करना है जिसके पास शेयर कैपिटल हो, हर वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है वो फॉर्म ए फाइल करेगी रजिस्ट्रार को हर साल। सही है, अब कब फाइल करना है, कभी भी फाइल कर दे, किसी भी टाइम फाइल कर दे, नहीं यहाँ पे बता रहे हैं इट नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। सही है, और कैलेंडर ईयर एंड विच एवर इज एप्लीकेबल। अब इस नोट्स में आपने देख लिया टर्म आ गई विच एवर इज एप्लीकेबल, अब कब क्या अप्लाई होगा ये नहीं बताया, हर साल ईयर एंड तो आता ही है, कैलेंडर ईयर एंड तो हर साल आता है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या हर साल नहीं होती है, मैं कैलेंडर ईयर लूँ या एजीएम लूँ ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मैं जा करके ये सेक्शन ना देखूँ इस सेक्शन में क्या बोला गया। फिलहाल मैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि एनुअल जनरल मीटिंग आपको, जैसे एनुअल वर्ड है तो इसका मतलब है कि आपको साल में एक बार हर हालत में कंडक्ट करनी है, और इसकी टाइमिंग भी मौजूद है कि आपको कब कंडक्ट करनी है, विद इन 120 डेज ऑफ ईयर एंड आपको ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट करनी है, और अगर ये मीटिंग आप कंडक्ट कर लेते हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ दिस मीटिंग 30 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करना है फॉर्म ए। अगर ये मीटिंग किसी वजह से कंडक्ट नहीं हो पाई है तो आपको कैलेंडर ईयर एंड अगर आ गया तो कैलेंडर ईयर एंड के 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये फाइल करना है एसईसीपी को। सही है, क्या चीज़ फाइल करनी है, फॉर्म ए, हर वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है वो 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम एजीएम या कैलेंडर ईयर एंड एसईसीपी को या रजिस्ट्रार जिसे बोल रहे हैं रजिस्ट्रार को फॉर्म ए फाइल करेगी। सही है, इट इज़ फाइल्ड फॉर द पोजिशन एज ऑन द डेट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, ये चीज़ मैंने पहले बता दी, एज ऑन की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग हमारी कंडक्ट हुई 27 अक्टूबर 2021 को। सही है, तो ये जो फॉर्म ए होगा ये पोजिशन बताएगा 27 अक्टूबर 2021 की, ये मुझे 30 जून 2021 की पोजिशन नहीं बताएगा। सही है, ये मुझे 30 जून 2021 या 30 जून 2022 की पोजीशन नहीं बताएगा, ये मुझे उस डेट की पोजीशन बताएगा जिस डेट पे एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट हुई थी, वो डेट थी 27 अक्टूबर 2021। सही है, अब वेयर नो सच मीटिंग इज हेल्ड, अगर वो वैसी मीटिंग ही नहीं हुई हो यानी कैलेंडर ईयर वाली बात हो तो, और इफ हेल्ड इज नॉट कंक्लूडेड, ये वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में देखते हैं, नॉट कंक्लूडेड ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद देखते हैं।
पोजीशन ऑन द लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर, यानी 31 दिसंबर की पोजीशन आप बता रहे होंगे एससीसीपी को, सही है। फॉर्म ए हर साल फाइल होगा, हर कंपनी फाइल करेगी जिसके पास शेयर कैपिटल है। किसको फाइल करेगी? रजिस्ट्रार को फाइल करेगी। कब फाइल करेगी? विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम फाइल करेगी या विद इन 30 डेज ऑफ कैलेंडर ईयर फाइल करेगी अगर एजीएम कंडक्ट नहीं हुई है तो। अगर एजीएम कंडक्ट हुई है तो किस डेट की इंफॉर्मेशन देगी? ये देगी एजीएम की डेट की इंफॉर्मेशन। अगर एजीएम कंडक्ट नहीं हुई है तो किस डेट की इंफॉर्मेशन देगी? तो ये इंफॉर्मेशन देगी 31 दिसंबर की इंफॉर्मेशन, सही है। अगर ये जो वर्ड है इफ हेल्ड इज नॉट कंक्लूडेड, ये चीज क्या आप में से कोई मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है? अगर मैंने जो बताया है इसके बारे में फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई मुझे ये बात एक्सप्लेन कर सकता है क्या मतलब है इसका? इफ हेल्ड इज नॉट कंक्लूडेड, अगर कोई एक्सप्लेन करना चाह रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ यस कर दे, फिर टाइम ले ले एक्सप्लेन करने का। सही है, कोई एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। इसका मतलब ये है, देखिए मीटिंग कंडक्ट होती है, मीटिंग स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने के बाद मीटिंग एडजर्न हो जाती है किसी भी वजह से, कोई भी वजह होती है, मीटिंग एडजर्न हो गई, कोरम पूरा नहीं था, सही है, और बीच में ईयर एंड फॉल कर जाता है। मीटिंग होनी थी अक्टूबर 2021 में, लेकिन किसी वजह से वो डेफर हुई, ये अनाउंस इन्होंने नहीं की मीटिंग, वो मीटिंग गई नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक, दिसंबर के फर्स्ट वीक में मीटिंग गई, मीटिंग हुई, कोरम पूरा नहीं था, सही है। आगे गए, आगे जाकर के मेंबर ने डिस्कशन के लिए कोई टाइम ले लिया, सही है, ईयर एंड गुजर गया, नेक्स्ट जो डेट मिली मीटिंग की वो मिली जनवरी की, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ने ये डेट डिसाइड की कंसेंसस के साथ कि हम जनवरी में मिल रहे हैं, बीच में आ गया ईयर एंड, ऐसे में हम बोलेंगे कि मीटिंग हेल्ड हुई है, कंक्लूड नहीं हुई, मीटिंग हुई है, ज़रूर हुई है, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। तो जब वो पूरी होगी तब देखा जाएगा। अभी आप कैलेंडर ईयर एंड क्योंकि बीच में फॉल कर गया तो आप फॉर्म ए कैलेंडर ईयर एंड का फाइल कर दें, सही है। अब क्वेश्चन एक जहन में आ सकता है सबके, वो ये आएगा कि कैलेंडर ईयर एंड का हमने फाइल कर दिया, फिर मीटिंग कंडक्ट हुई और कंडक्ट होने के बाद कंप्लीट हो गई, मीटिंग हेल्ड हुई, मीटिंग हेल्ड पहले हुई थी, एडजर्न हुई, जनवरी में गई, जनवरी में वो फाइनली कंक्लूड हो गई, उस कंक्लूड होने पे भी क्या हमें कोई फॉर्म ए देना है? क्योंकि हमारी एनुअल जर्नल मीटिंग तो इस साल जाकर के कंक्लूड हो गई है, और उस डेट पे क्या हमें कोई फॉर्म ए सबमिट करवाना है? तो इसका जवाब है नहीं, आपको उस डेट पे फॉर्म ए नहीं देना, सही है। हर साल की एक एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, ये एनुअल जर्नल मीटिंग 2021 की ऑलरेडी हो गई, सही। अब नेक्स्ट जो एनुअल जर्नल मीटिंग होगी जो 22 के लिए होगी, उस टाइम आपको फॉर्म ए फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। हाँ, वो 2021 की एनुअल जर्नल मीटिंग कंक्लूड नहीं हुई थी, आपको ईयर एंड का डाटा देना पड़ा, वो आपने दे दिया, सही। अब जब कंक्लूड हुई तो उस टाइम आपको जो रिक्वायरमेंट है, अगर कोई रिक्वायरमेंट बनती है जो आपको करनी है तो आप वो कंप्लीट करेंगे, फॉर्म ए फाइल नहीं होगा इसका, सही। वो रिक्वायरमेंट क्या बनती है, क्या हो सकती है? वो रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि एनुअल जनरल मीटिंग में आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवानी है एससीसीपी को, वो करवानी है। उस एनुअल जनरल मीटिंग में आपने इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स कंडक्ट कर लिए, वो इलेक्शंस आपको एससीसीपी में फॉर्म 29 सबमिट करवाना है तो करवाना है, फॉर्म ए नहीं करवाना, फॉर्म ए आप करवा चुके, सही है। यहां तक कोई क्वेश्चन फॉर्म ए के बारे में? हर कंपनी फाइल करेगी जिसके पास शेयर कैपिटल है।
रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा, हर साल फाइल किया जाएगा, एजीएम की डेट से 30 डेज के अंदर या कैलेंडर डेट से 30 डेज के अंदर अंदर फाइल किया जाएगा, सही है। और ये एज एट ऑफ एजीएम डेट या कैलेंडर ईयर एंड डेट, इन दो में से किसी एक की इंफॉर्मेशन देगा, विच एवर इज एप्लीकेबल। यहाँ तक क्लियर है? फॉर्म ए किसके लिए है? शेयर कैपिटल, जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है उसके लिए। ऐसी भी कंपनीज हैं जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं होता, ऐसी भी कंपनीज हैं जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं होता, वो कौन सी कंपनीज हैं? गारंटी लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। हमने देखा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या कर रही है कि वो लिमिट कर रही है लाइबिलिटी को एक अमाउंट पे। अब वो लाइबिलिटी लिमिट करने के दो तरीके दिए कंपनीज एक्ट ने, दो तरीके कौन कौन से दिए? पहला ये दिया कि आप जो अपनी लाइबिलिटी सर्टेन कर रहे हैं वो कैश आप रखवा दें कंपनी के पास, ये आपका हो गया शेयर कैपिटल, सही है। दूसरा तरीका उसने दिया कि सही है, आप कैश ना रखवाओ, आप एक गारंटी रखवाओ कंपनी के पास कि आप किसी सूरत में अगर कंपनी को जरूरत पड़ी उस अमाउंट की तो आप इतनी अमाउंट कंपनी को दोगे। मैंने एक गारंटी लिमिटेड कंपनी बनाई, मैंने ये गारंटी की कि भाई 1 मिलियन मैं कंपनी को दूंगा, सही है। तो ये गारंटी लिमिटेड कंपनी है, सही, गारंटी लिमिटेड कंपनी के नाम के साथ गारंटी लिमिटेड का वर्ड लगाया जाएगा, सही। अब एक क्वेश्चन है और आता है जहन में, वो ये आता है कि क्या ये दो ही काइंड है, लिमिटेड लाइबिलिटी में लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, यही दो काइंड है या दोनों मिक्स भी हो सकते हैं? कोई कोई कंपनी ऐसी हो जिसके पास शेयर कैपिटल भी हो और गारंटी भी दी भी हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो और उसमें शेयर कैपिटल भी हो। हाँ, ऐसी कंपनीज हो सकती हैं, वो कंपनी कहलाएंगी गारंटी लिमिटेड लेकिन उनका शेयर कैपिटल भी होगा। और ऐसी कंपनी को क्या फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, फॉर्म ए या फॉर्म बी? ऐसी कंपनी को जिनके पास शेयर कैपिटल है, वो पहले बता दिया कि वो फॉर्म ए फाइल करेंगी, चाहे वो गारंटी लिमिटेड थी चाहे वो गारंटी लिमिटेड नहीं थी, उनके पास शेयर कैपिटल है तो वो फॉर्म ए फाइल करेंगी, सही है। तमाम गारंटी लिमिटेड कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल है वो फॉर्म ए फाइल करेंगी, जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो फॉर्म बी फाइल करेंगी। और फॉर्म बी की फाइलिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? सिमिलर, सारी वही रिक्वायरमेंट जो फॉर्म ए की थी। मतलब एवरी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल शेल इन ईच ईयर प्रिपेयर एंड फाइल इट विद द रजिस्ट्रार। अच्छा, यहाँ पे एनुअल का वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ लेकिन एनुअली फाइल करेगी, सही है। इट नीड्स टू बी फाइल्ड फॉर द पोजिशन एज ऑन द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, वही पुरानी वाली चीज, वेयर नो सच मीटिंग इज हेल्ड और इफ हेल्ड इज नॉट कंक्लूडेड, पोजिशन ऑन लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर, वही पुरानी वाली चीज, इट नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ एजीएम और कैलेंडर ईयर विच एवर इज एप्लीकेबल, वही पुरानी वाली चीज, सही है। फॉर्म ए और बी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? फॉर्म ए और बी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? मेरे ख्याल से थोड़ी सी लंबी हो गई है क्लास, लेकिन आई होप के रूखी नहीं लग रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। अगर ड्राई लगने लगे तो बताइएगा। आप लोगों को समझ आ रही है? मेरे ख्याल से फॉर्म ए और बी पे फिलहाल रोक लेते हैं, 29 हम नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। कॉन्सेप्ट जो अभी दिए हैं, कॉन्सेप्ट्स जो अभी दिए हैं उन लोगों के लिए जिन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन शायद लॉ की नहीं थी, उस लॉ को समझने की, उस लॉ पूरा लॉ तो नहीं पढ़ेंगे, तो एक सिंपल एक आइडिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं वो चीज़ बताई गई है पहले, कि सब एक फ्लो पे आ जाएं, एक पेज पे आ जाएं, सही। उसके बाद फिर अब हम ये फॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। ये फॉर्म्स मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ नोट से पढ़ाए हैं, हम इसे जा करके सेक्शन में भी देखेंगे कि सेक्शन क्या बोल रहा है, सेक्शन से चीज़ें उठा करके यहाँ पे बताई गई हैं, कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड चीज़ें उठाई गई हैं जो रेलिवेंट थी उन्हें उठा करके यहाँ पे रख दिया गया और बता दी गई, सेक्शन में कुछ और इंफॉर्मेशन भी होगी, सही है। क्या
क्या कहते हैं, सेक्शन पढ़ना है या बाद में रखें? सेक्शन पढ़ना है या बाद में रखें ये मुझे बता दें, क्योंकि रेगुलेशन, इसकी रेगुलेशन वन मैं बोलूंगा तो, लेकिन बेसिकली जो रेगुलेशन स्टार्ट होती है, ये रेगुलेशन स्टार्ट होती है 5 से। कोई कुछ नहीं बता रहा तो एक काम ये करते हैं कि सेक्शन 130 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास, चलें आप इतना जो है वो डाइजेस्ट करें चीज़ें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इस क्लास के बारे में कोई क्वेश्चन कुछ है, कोर्स के बारे में कोई क्वेश्चन अगर आ रहा हो डिटेल मालूम करने तो वो बता दें, डिस्कस कर लेते हैं, 2-3 मिनट में फिर इसे एंड कर लेते हैं। कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, कोई कॉन्सेप्ट पहले कुछ और हो, अभी कुछ और हो गया, कोई चीज़ आप समझते हो कि ये किसी और तरीके से कुछ और बता दी गई हो, कोई क्वेश्चन नहीं है, चले फिर इसे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास क्या चाह रहे हैं कि किस टाइम पे हो? सैटरडे संडे रखें, लास्ट सेशन डिसाइडेड था संडे का, तो सैटरडे संडे क्लास रखें या वर्किंग डेज में इन्हीं टाइमिंग्स में रख लें? वर्किंग डेज में इन्हीं टाइमिंग्स में रखेंगे तो कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ये ट्रेनिंग इतनी लंबी नहीं जाएगी, और अगर आप सैटरडे संडे रखेंगे तो मेरे ख्याल में 2 हफ्ते तो मिनिमम चलेगी है, क्योंकि सैटरडे फिर संडे फिर एक सैटरडे आपका लगेगा। क्या सजेस्ट कर रहे हैं जो प्रेजेंट हैं? सिर्फ संडे अगर रखेंगे तो ये 4 वीक्स पे चली जाएगी। वकार आप खामोश हैं, तीन तीन घंटे के सेशन सैटरडे और संडे को अगर ये रख लेते हैं तो मेरे ख्याल में 1 वीक में ख़त्म हो जाएगी विद ब्रेक। अच्छा बाकी लोग, मैं चाह रहा हूँ ये सेशन जल्दी ख़त्म हो, बहुत लेंदी ना हो। चलें डिसाइड ये करते हैं, नेक्स्ट सेशन हम संडे को लेते हैं 3 आवर्स का, सही है, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में डिसाइड करते हैं कि हम उसके बाद वाला सेशन कब ले रहे हैं, सही। 8 आवर्स हमें मिनिमम लगाने हैं, 8 से ऊपर हो सकता है थोड़ा, 8 से कम नहीं होगा, सही है। हम नेक्स्ट संडे को मिल रहे हैं सिमिलर टाइमिंग पे 3 आवर्स के लिए, ये चीज़ ग्रुप पे जो है कम्युनिकेट कर देंगे और लिंक जो है वो वीडियो का शेयर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।